हमने देखा है जितने भी ब्रह्मचारी बीमार रहते हैं मोस्टली डिस्टर्ब हो जाते हैं, साधना ख़राब हो जाती है और या तो शादी कर लेते हैं या घर चले जाते हैं डिस्टर्ब हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हेल्थ ख़राब होती है तो हरे कृष्ण हेल्थ ख़राब होती है तो साधना तो इफ़ेक्ट होगी, है ना, नेचुरली। और साधना इफ़ेक्ट होती है तो फिर माइंड को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हेल्थ मेंटेन करना श्रील प्रभुपाद ने बोला है ब्रह्मचारियों के लिए, दे शुड मेंटेन देयर हेल्थ नाइसली। सर सर्विसेज भी नहीं होंगी और खुद में फ्रस्ट्रेशंस ही रहेगी, हम दूसरों को एनलाइवन भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ब्रह्मचारी क्लास मतलब ब्रह्मचारियों के दूसरों ब्रह्मचारियों को एनलाइवन नहीं कर सकते हम, पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा एक हो गई, सो इसीलिए हेल्थ एक बहुत कंसर्न है ऑल ओवर इस्कॉन, जहाँ तक ब्रह्मचारियों की बात है। वो इसलिए भी कंसर्न है ब्रह्मचारियों की बात है हेल्थ, क्योंकि इस्कॉन में क्या है कि फीस्टिंग बहुत प्रोमिनेंट है, नहीं सर इस्कॉन में नहीं, भक्ति ट्रेडिशन में, इस्कॉन में नहीं, भक्ति ट्रेडिशन में फीस्टिंग होती रहती है बार बार, कभी कोई आचार्य अपीयर हुए तो फीस्टिंग, डिसअपीयर हुए तो भी फीस्टिंग, डिसअपीयर में पता नहीं क्यों फीस्टिंग होती है मुझे नहीं पता, बट डिसअपीयर भी फीस्टिंग, अपीयर में तो समझ आता है, बट डिसअपीयर पे शायद इसलिए होती है क्योंकि गोलोक चले गए, अपीयर पे क्यों हो रही है फिर, गोलोक से आ गए कुछ बहाना तो नहीं चाहिए फीस्टिंग करने का। सो हर छोटी छोटी चीज़ पे फीस्टिंग होती है, सो प्रसाद भी बनता है, भगवान है तो वैरायटीज बनती हैं। मोस्टली हेल्थ किसकी ख़राब होती है, पुजारियों की बहुत जल्दी ख़राब होती है मोस्टली, क्योंकि प्रसाद महाप्रसाद बनेगा बहुत सारा, डीटीज को ऑफर होगा, फिर बटेगा कहाँ पता नहीं। सो आधा तो पुजारी ओके सेफ में चला जाता है, अलमारी में चला जाता है। मोस्टली जो पुजारी होते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऑल ओवर टेंपल देखा गया है, खाते पीते रहते हैं मिठाइयाँ, सो प्रॉब्लम है उसमें। इस्कॉन में कहते हैं कि हम लोग की कि पुजारी स्वीट खाते हैं और फिर स्वीटी आ जाती है, स्वीटी पता है नहीं पता, स्वीट्स फ्रॉम स्वीट्स टू स्वीटी, दैट्स रियली क्योंकि महाप्रसाद तो मोस्टली स्वीट्स ही लगती है ना, आप क्या क्या महाप्रसाद स्वीट्स बनती हैं स्पेशल, यहाँ तो डीटी नहीं है तो इतना पंगा नहीं है, नहीं वैसे डेली थोड़े ना, हाँ डीटीज होती हैं तो फिर तो डेली स्वीट्स बनानी पड़ती हैं, मंगल भोग लगेगा और फिर उसके बाद नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डीटी आते ही पुजारी इसका फॉल डाउन शुरू हो जाता है ये फिनोमेना है थोड़ा सा मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट भगवान के आते ही मंगल होना चाहिए, अमंगल शुरू हो जाते हैं पुजारियों के केस में। सो एनीवे, सो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्थ ख़राब रहती है बहुत। ब्रह्मचारी लाइफ में दो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी मोस्टली जो मुझे कंप्लेन मिलती है, एक तो पेट ख़राब रहता है हमेशा ब्रह्मचारियों का, कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, टॉयलेट नहीं आ रही, तीन दिन से दो दिन से पड़े हुए हैं, और पीट के दर्द की प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम तो कॉमन ही है, ये क्यों यहाँ पे भी ऐसी है, पेट और पीट दोनों की प्रॉब्लम रहती है। सो क्या करें हेल्थ के लिए, सो हेल्थ के लिए वैसे तो देखो बहुत सारे पूरी किताब ही है, चरक संहिता, कई लोगों ने बुक्स भी लिख दी, बट कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको नहीं तोड़ने चाहिए वरना आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ओके सो क्या रूल्स हैं, वो कभी भी नहीं तोड़ सकते, बहुत सारे रूल्स हेल्थ के केस में एडजस्टेबल होते हैं,
अपनी नेचर है, प्रकृति है, आपकी बॉडी है, क्लाइमेट है, ऋतु है ना, तो उससे एडजस्ट होते रहते हैं। क्योंकि हेल्थ का एक रूल नहीं बना सकते ना, क्योंकि बॉडी भी तो हमारी डायनेमिक है, चेंज हो रही है ना हर वक्त बॉडी अंदर से, ऋतु भी चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई गर्मियाँ हैं, अब गर्मियों में आपको पीना चाहिए मट्ठा है ना, और या जो भी ठंडी चीज़ें। अब मान लीजिए गर्मी के दिनों में तूफान आ गए, ठंड हो गई बीच में, जैसे अभी थोड़ा सा बारिश हो गई तो ठंड हो जाएगी, तो फिर आप नहीं पी सकते मट्ठा और लाइम जूस या वो, बीमार हो जाएगा। क्योंकि किताब में लिखा है गर्मी, बट गर्मी के दिनों में चेंज हो गया बाय चांस, ठीक है। सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एडजस्टेबल होना चाहिए। हेल्थ सही रखने के लिए थोड़ा विवेक चाहिए, थोड़ी सी साइंस पता होनी चाहिए, तो आप हेल्थ सही रख सकते हो। बट हर एक को साइंस नहीं पता होती, हर एक को रूल्स नहीं पता होता, इसलिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो नहीं तोड़ने चाहिए। वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे कुछ भी है, आप तोड़ नहीं सकते। ओके, पहला रूल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको भूख नहीं लगे तो मत खाओ, मत खाओ। ज़रूरी नहीं है कि 1:30 बज गए, 9 बज गए तो खाना ही है आपको, ज़रूरी नहीं है। ये ध्यान रखना अपने माइंड में, क्योंकि ब्रह्मचारी लाइफ में घंटी बजते ही अपने आप पैर चले जाते हैं। आप बैठ जाओगे, प्लेट आ जाएगी, प्रसाद भर जाएगा, खा जाओगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा। सो वो दिमाग खोल के रखना, ज़रूरी नहीं है कि प्रसाद है, मिल रहा है तो खाना ही है। आप स्किप भी कर सकते हो, आपको अपनी बॉडी को देखना पड़ेगा। सो बिना भूख लिए जो खाएगा वो पक्का बीमार होगा, ये निश्चित है। पहला रूल समझ गए। ऐसा होता है जैसे रात को दूध मिलता है यहाँ पर, ठीक है, दूध के लिए सब पी लेंगे, चाहे भूख लग रही है चाहे नहीं लग रही। ब्रह्मचारी आश्रम में होता है नहीं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, अरे दूध ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे होती है, मुझे नहीं पता, होती तो होगी, आफ्टर ऑल ह्यूमंस हैं। सो घंटी बजते ही बस दूध, नहीं भूख लग रही मत पियो, किसने कहा है पीने को। सो बिना भूख लगे और बिना प्यास लगे पानी मत पियो और खाओ मत। जब बॉडी नहीं मांग रही तो अंदर मत डालो, बॉडी खुद कह रही है मुझे नहीं चाहिए, आप क्यों डाल रहे हो। ये पहला रूल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर आपके पास महाप्रसाद आ गया कोई, ठीक है, भूख तो लग नहीं रही आपको, महाप्रसाद आया है तो आप खा जाओगे, वो हेल्थ ख़राब हो जाएगी आपकी। और कहोगे महाप्रसाद को मना कैसे करें, ऐसे ही होता है, नहीं यही होता है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप ले लो और थोड़ा सा टेस्ट करके दूसरे को दे दो, ऐसा भी कर सकते हो आप, ये थोड़ा ना आपको खाना है। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर भूख नहीं लग रही तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है इतना सा भी लेने को अंदर, आपको इतना सही तो है नहीं, रेड प्रिपेयर्ड नहीं है इतने से खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए समझे बॉडी में, डॉक्टर्स को पता है, उचित कृष्ण को पता हो, इतना सा आप थोड़ा सा लोगे उसके लिए पूरी बॉडी चालू हो जाती है, बटन दब जाता है समझे, बटन दब गया खाना गया है तो ब्रेन में केमिकल्स अलग रिलीज होंगे, हार्मोन्स अलग रिलीज होने लगे, आपकी बॉडी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग हो जाएगी। समझ रहे हो, बॉडी केमिस्ट्री कैसे कहूँ, कैसे समझाऊँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, समझ आ रहा है, आ रहा है सबको। बॉडी केमिस्ट्री पता है क्या होता है, अब यार ये तो पंगा है, हिंदी में कैसे कहते हैं, अरे हाय ऐसे होगा तो ये मतलब आपको हार्मोन्स पता है, हार्मोन्स एंजाइम पता है, एंजाइम्स आपके बॉडी में अलग सिग्नल्स आने लगेंगे ब्रेन से, अलग केमिकल्स सिक्रीट होने लगेंगे, आपकी बॉडी अलग हो जाएगी खाते वक्त, अलग हो जाती है बॉडी, अलग सिग्नल, अलग केमिकल, सब अलग हो जाता है, चाहे आप इतना लो चाहे इतना लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी को सिग्नल मिल गया, अंदर कुछ गया है तो वो तो पूरा प्रिपेयर करेगी, समझ गए। चाहे आप एक बॉटल पानी पियो चाहे एक घूंट पानी पियो, सिग्नल मिल गया, पानी जाए गया, बॉडी चेंज हो जाएगी अंदर से, समझ गए। इसलिए बहुत ध्यान से सोचना है आपको यहाँ से क्या डालना है, कितना डालना है, कितना तो नहीं कब डालना है। सो भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, मत खाओ मत पियो, बस
पहला समझ गए। दूसरा रूल है जो शिला प्रभुपाद ने बताया है कि ज़्यादा खाने से बीमारियां होती हैं, समझे, और एनर्जी कम आती है ज़्यादा खाने से, इसलिए एक वर्ड यूज़ हुआ मित भूख। सुना है मित भूख? सुना है मित भूख और हित भूख? मित भूख ये होता है, मित भूख कम खाना नहीं होता, मित भूख होता है जितना रिक्वायर्ड है। आप ज़्यादा खाओगे तो भी प्रॉब्लम, कम खाओगे तो भी प्रॉब्लम। आपको जितना ज़रूरी है उतना ही लो, बल्कि जितना ज़रूरी है उससे थोड़ा सा कम लेना चाहिए, समझे, क्लियर है। शास्त्रों में लिखा आपने सुना होगा कि हमारे पेट का 1/3 हिस्सा कैसे होता है, 1/3 खाने से होना चाहिए, 1/3 पानी से, 1/3 हवा खाली होना चाहिए, है ना, यही लिखा है ना, सुना है ना। हाँ वो भी कहते हैं 1/4, 50% खाने से, 25% पानी से, 25% हवा से, कुछ लोग 1/3, 1/3, 1/3, 33 ऐसे कुछ कर लेते हैं, बट थोड़ा खाली रहना चाहिए पेट, समझे। खाली नहीं रहेगा, मिक्सी में तो ठूस दोगे तो क्या घूमेगा, वो घुमाएगा कैसे, वो मिक्सी में पूरा ठूस के घुमाओ तो क्या होगा, वो चलेगा ही नहीं नीचे, बार बार चलाते रहोगे या तो वो फूक जाएगी मशीन, या वो ऊपर छोड़ दो चलाओगे तो सारा खाना भारा हो जाएगा, है ना, तो बस यही होगा। इसलिए खाली पेट छोड़ना ज़रूरी है, इसको कहते हैं मित भूख। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हम खाली पेट छूटा है कैसे पता लगेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई मशीन तो लगा नहीं रखी, हम देखेंगे कैसे, कौन बताएगा कैसे पता लगेगा कि 1/3 हमने हवा छोड़नी है, खाली छोड़ना है, कैसे पता लगेगा। हाँ हाँ, तो खाना जब ख़त्म करोगे ना तो थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए आपके पास, ऐसा ना हो पूरा ठूस ठास के डकार 3 मार के आ गए, वो तो गड़बड़ है, फिर आप बीमार हो जाओगे पक्का, पेट में ही दर्द हो गया पूरा, आए आ रहे हैं भैया कुछ समझ नहीं आ रहा। एक नोएडा में हमारे एक डिवोटी थे रमाकांत प्रभु, बहुत साल पहले, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो यंग था, बिहार से ही था, खाने का बड़ा शौक था, तो गॉड पूर्णिमा के दिन फास्टिंग होती है, फिर शाम को उसने दबा के खाया, खाता ही गया, पता नहीं पूरा पेट भर गया, पेट ही फट गया उसका अंदर से, मर गया वो, रात को मर गया, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, मर गया वो, इतना खा लिया उसने। ऐसा भी होता है, उसको हो सकता है उसको पेट में कुछ अल्सर हो, अंदर से फट गया और यू नो सेप्टिक शॉक में चला गया, जस्ट डाइड। सो इसलिए जब आप खाने बैठो और जब खाना खा के उठो, थोड़ी सी भूख होनी चाहिए, पूरी भूख मत मारो। तो ये तीसरा रूल, दूसरा रूल क्या है, मैंने क्या बताया है, मित भूख है ना दूसरा रूल, उतना खाओ जितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, वेल 1/3 पेट खाली होना चाहिए, कैसे पता लगेगा, आपको थोड़ी भूख रहनी चाहिए। ओके, तीसरा रूल है कि भूख हमारी दोस्त है, पता है आपको, आपको पता नहीं, आप सोचते हो भूख ख़त्म कर देंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, नहीं, भूख हमारी फ्रेंड होती है, भूख हमारी बीमारियों को खाती है, समझे, इसलिए उपवास करते हैं लोग, उपवास नहीं करते, फास्टिंग करते हैं, जब कोई बीमार हो जाते हैं फास्टिंग, नेचुरल थेरेपी फास्टिंग कराते हैं ना, तो भूख हमारी बीमारियों को खा जाती है, आप भूख ही नहीं रखोगे अपने सिस्टम में तो बीमार होना शुरू हो जाओगे, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमते हैं, उसको बोलते हैं आमा, इंग्लिश में टॉक्सिन्स बोलते हैं, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, आम, सुना है आम, वो जम जाता है सारी हमारी बॉडी में, उसको हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उपवास या एक्सरसाइज, दो ही रास्ते हैं, व्यायाम या उपवास। अब व्यायाम तो आप जो करते हैं मुझे नहीं पता, बट आप कितनी एक्सरसाइज कर लोगे, है ना, पूरे दिन तो नहीं कर सकते ना, और टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं बॉडी में, आम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए थोड़ी सी भूख रखना ज़रूरी है। इसलिए एकादशी के दिन आप दबा के मत खा जाओ, बेकार हो गया आपकी बातचीत, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से।
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस है वो एक आची। आपने कूटू का फ्राइड पकौड़े बॉन्डे बॉन्डे बनाते हो यहाँ पे है ना, बॉन्डे बनाते हो क्या करते हो, क्या बनते हैं काची पे, वही बॉन्डे वही पकौड़े बन जाएंगे, फिर सेवई जो भी है पता नहीं क्या, वराही साबूदाना ऐसे कुछ बनते होंगे हैं, वो वराही का ना वो सामक चावल का वही 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 वही। तो वो सिस्टम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं, आप दबा के खाते रहो। एक आची बनाई है कि भगवान ने कहा भूख रखो एक दिन, भूख आके सिस्टम को क्लीन करेगी, थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा मगर उसको क्लीन करने दो। क्लियर हो गया? तो तीसरा पॉइंट है भूख थोड़ी सी रखनी चाहिए, भूख हमारी दोस्त है समझे। तो इसलिए अगर आपका मन नहीं कर रहा खाने का मत खाओ, थोड़े भूखे रह लो, वो आपके लिए बेटर है, वो बेटर ही है, वो आपको फायदा करेगा। भगवान ने कहा था ईट लेस लिव मोर, सुना है भगवान ने बोले, सुना है ईट लेस लिव मोर, नॉट टू लेस और ईट लेस लिव मोर। सो के भूख मैं जनरली डिवोटीज को पता नहीं है, ये सीक्रेट नहीं पता है ना, भूख फ्रेंड है नहीं पता। सो मैं कम खाता हूँ, मुझे पता है मैं यूजुअल से कम खाता हूँ, भूख रखता हूँ अपने अंदर। इन्होंने देखा होगा क्यों मेरे साथ जाते हैं मथुरानाथ, और वो लोग मथुरानाथ कहाँ पता नहीं कहाँ, आपको पता है कम खाता हूँ। मुझे पूछते हैं प्रभु जी क्यों कम खा रहे, मुझे पता है बॉडी कैसे काम कर रही है और क्या करना है अंदर, उससे एनर्जी रहती है पता है। एक पता है माइंड फ्रेश होता है, एक होता है बॉडी में एनर्जी, दो चीज़ें होती हैं है ना, मेंटल फ्रेशनेस और एनर्जी, यही होता है ना। तो सोने से मेंटल फ्रेशनेस आती है, खाने से एनर्जी आती है, हम सोचते हैं नहीं। आप अगर खाना भी सही अमाउंट में खाओगे तो खाने से आपके माइंड में एनर्जी आएगी। अगर खाना खा के आपका माइंड डल हो रहा है और दबा के नींद आ रही है, इसका मतलब आपने खाना सही से नहीं खाया, आपने राक्षस की तरह खाना खाया। खाने का रोल आपको एनर्जी देना है और फ्रेश करना है। हाँ थोड़ी सी नींद तो थोड़ा सा रेस्ट तो लेना पड़ता है प्रसाद के बाद थोड़ा सा, क्योंकि हम 3 बजे उठते हैं ना सब लोग, मगर खाना खा के आप अगर रेस्ट लोगे, अगर आपने सही अमाउंट में खाया मित बुक खाया है, तो आपको 40 मिनट से ज़्यादा नींद नहीं आ सकती, देख लेना। और उठोगे तो फ्रेश उठोगे, आप सिस्टम डाइजेस्ट कर जाएगा। अगर आपने दबा के खा लिया तो नींद आपको आएगी 1-2 घंटा, फिर उठते टॉयलेट आएगी और सर में ऐसी आ क्या हो गया, फिर नहाना नहा के फिर फ्रेश हो गए, फिर आप बस अपना सिस्टम शुरू करोगे। वो बहुत गंदा सिस्टम है जो सारे ब्रह्मचारी आश्रमों में होता है, होता है नहीं होता है, यहाँ भी होता है, वही होगा, यूनिवर्सल फिनोमेना है। और वो हेल्थ करने का बिल्कुल सही सिस्टम है, हेल्थ ख़राब करने का बिल्कुल सही सिस्टम है समझे। हेल्थ ख़राब होगी होगी, कोई नहीं रोक सकता, आपने सारे रूल्स तोड़ दिया आयुर्वेद का। एक और रूल तोड़ दिया, कितने रूल हो गए, चौथा रूल है एक आपने रूल तोड़ दिया, दिन में 2 घंटे, दिन में 40 मिनट से ज़्यादा सोना ही नहीं चाहिए, 48 मिनट्स टू बी प्रेसाइज। 48 मिनट्स कितना हो गया, एक मुहूर्त हो गया, दो हो गया, एक मुहूर्त हो गया ना, एक मुहूर्त 48 मिनट्स, एक मुहूर्त से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, दो घड़ी एक मुहूर्त, 48 मिनट से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए दिन में। अब प्रॉब्लम यह है कि आप दबा के खा लोगे तो आप 48 मिनट से ज़्यादा सो गए, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। आप कंट्रोल करोगे नींद को तो स्ट्रेस आएगा माइंड पे, बॉडी पे, रोक रहे हो ना आप, कुछ चीज़ अंदर से आ रही है आप उसको रोक रहे हो, तो आपने नींद रोक ली तब भी मरे, सो गए तब भी मरे, और उसका रूट कॉज क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, आपने ज़्यादा खा लिया। आपने कहा प्रभु जी हमने तो ज़्यादा नहीं खाया, हमारी डेफिनेशन है आपने ज़्यादा खा लिया क्योंकि आपने अंदर भूख नहीं छोड़ी समझे, आपने पूरा भर दिया बैग, शायद उससे ही ज़्यादा खा लिया। सो वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवहा वेगम, समझे, जीवा वेगम ये होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। हमारी अपनी डेफिनेशन हो सकती है जीवा वेगम की, मगर अपनी डेफिनेशन से काम नहीं चलता, आयुर्वेद में ये डेफिनेशन है।
जी, अगर आप थोड़ी भूख नहीं छोड़ रहे तो आप जीवा वेगम में फंस गए हो, बस ऐसे ही है। क्लियर हो गया? कितनी चीज़ें हो गई? चार। सो इसलिए सुबह का जो प्रसाद है वो ध्यान से खाना, क्योंकि नींद आएगी आपको। दोपहर के टाइम वैसे ही नींद आएगी, बॉडी जब खाना खा लोगे तो सारे ब्लड ब्रेन से पेट में चला जाएगा, डाइजेशन के लिए जाएगा ना, डाइजेस्ट करने के लिए जाएगा ना, तो फिर आलस से आएगा, नींद आएगी। और दोपहर को वैसे ही पित्त बड़ा होता है, पित्त गर्मी होती है ना सिस्टम में, वैसे ही मशीन वैसे ही गर्म हो गई, गाड़ी गर्म हो जाएगी तो क्या होता है, तो बंद बंद अपने आप बंद शट डाउन नहीं हो जाती, गाड़ी गर्म हो जाती है, कोई मशीन गर्म आती है अपने आप ऑटो डिस्कनेक्ट होकर बंद हो जाता है ठंडा करने के लिए। तो अब पहले 12 बज गए, पित्त बड़ा हुआ है, बाहर ब्रह्मांड में गर्मी है, अंदर भी गर्मी है, पहली मशीन में इतनी गर्मी है, आपने दबा के प्रसाद डाल दिया, मशीन और चल रही है धड़ाधड़ और गर्मी हो गई, तो बॉडी का रिस्पॉन्स है सुलाना, सुला के ठंडी करेगी ना, नेचुरल रिस्पॉन्स है ये, रिफ्लेक्स है, सुलाना पड़ेगा बॉडी को, वरना बीमार हो जाओगे। और आप लड़ोगे, आप मैं नहीं सोऊंगा, आप लड़ोगे नहीं सोऊंगा तो और गर्म हो जाएगी, तो आपकी हेल्थ पक्का खराब होनी है। सो गए, ज़्यादा गर्म हो गई तो ज़्यादा सोना पड़ेगा ठंडा करने के लिए, है ना, ज़्यादा सो गए 2 घंटा फिर बीमार, और अब 2 घंटा सो गए दिन में तो काम वासना से आप बच ही नहीं सकते, आप देख लेना, आएगी आएगी, माइंड आपका फ्रस्ट्रेट होगा। बॉडी खराब होती है तो मन भी खराब होता है, समझे, बॉडी और माइंड में लिंक होता है ना, अलग थोड़े ना, माइंड भी परेशान होता है। ये सब बागभट में लिखा है, आपको रिसर्च करने कर लो जाकर, मेरी बात मानिए, मेरी बात मान लो, बस इतना ही है और कुछ नहीं, करके देख लेना आपको रिजल्ट आ जाएगा। सो आम प्रोड्यूस होता है दिन में, आप दबा के खा के 2 घंटे सो गए तो आम होगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे। अभी शायद आप बीमार ना, आपका नहीं, हम तो बीमार नहीं हो रहे प्रभु जी, ऐसे ही बोल के चले गए, आप देखना धीरे धीरे क्रोनिक बीमारियां शुरू हो जाएंगी, देखना आप। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कितने रूल्स हो गए? चौथा क्या मैंने बताया? हाँ, 48 मिनट से ज़्यादा मत सो, कोशिश करो। हाँ, अगर आप लेट सोए हो दिन रात को, आप लेट सोए हो तब आप उस केस में सो सकते हो एक्स्ट्रा, अगर आपने रात को सही से नींद ले ली, चलो अभी 5, 5.5, 6 घंटे तो नहीं सो सकते आप ज़्यादा। क्लियर हो गया? तो उसमें लेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 12 बजे सोए, चलो अभी संडे प्रोग्राम में 11, 10, 10:30 बज गए आपको क्लीनिंग करते हुए, तो आप रेस्ट ले सकते हो, वो कोई ख़राबी नहीं होती उसमें। क्लियर हो गया? सो 4 रूल्स हो गए। ओके, सो 5वां रूल, वेरी इम्पोर्टेंट, 5वां रूल है सोने का। रूल ये है कि 10:30 से लेकर 1:30 बजे मिनिमम कभी नहीं सोना चाहिए, अंडर अनलेस आपका शेड्यूल पूरा ही बिगड़ा हुआ है, वो बात अलग है, सोना नहीं चाहिए दिन में। हाँ, दिन का, ऑफ कोर्स, दिन के 10:30 से 1:30 बजे कभी नहीं सोना चाहिए, रात के 10:30 से 1:30 बजे सोना चाहिए कंपलसरी, तो आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि उसके पीछे सर्कैडियन रिदम है, हार्मोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्यों होता है ऐसा, बट ये शास्त्रों में लिखा है जो मध्याह्न के समय नहीं सोना चाहिए। मध्याह्न क्या होता है? 10:30 से लेकर 3:30 होता है मध्याह्न, भगवान की लीला पढ़ोगे ना तो मध्याह्न ही होता है, तो 10:30 से 3:30 सोना नहीं चाहिए, बट 3:30 एक मैक्सिमम लिमिट है, 1:30 बजे मिनिमम लिमिट है, समझे, तो एटलीस्ट कोशिश करके 10:30 से 1:30 बजे के बीच में सोना नहीं चाहिए, अंटिल अदरवाइज आपका शेड्यूल पूरा ही बिगड़ा हुआ है, जैसे आजकल मेरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, अब लेक्चर भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, थके भी हुए हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ, तो इसलिए अब मुझे तो रेस्ट करना पड़ता है, तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ 12 बजे से लेकर 12:45, 1 o'clock कर लेता हूँ मैं, अब क्या करेंगे, दिमाग ही फट जाएगा, सो वो बात अलग है, बट
रूटीन नहीं होना चाहिए, तो चलो वो तो हम रिकवर कर लेंगे जाकर, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस टाइम तो सोना नहीं चाहिए, जनरली नहीं सोना चाहिए, बीमार हो जाओगे पक्का। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि 10:30 से 1:30 बजे दिन में क्या होता है, डाइजेशन होती है, एंड डाइजेशन समझते हो ना, डाइजेशन क्या कहेंगे, हाँ पाचन क्रिया होती है। आप सो गए तो आपने पाचन क्रिया को भी बंद कर दिया, अब मशीन ही बंद हो गई। तो ये पाचन क्रिया 10:30 से 1:30 बजे के बीच में होगी। ये बॉडी का अपना 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 नियम है, बॉडी अपने नियम से चलती है, उसके अपने सिग्नल्स होते हैं, अपने हार्मोन होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, समझ गए? तो ये सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, ये तो चलो। और आप सो गए ले, तो अगर अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए, पता है आपको, ये रूल से आप खेलोगे आपको पता लग जाएगा। अगर आप जैसे थके हो, जैसे मेरा शेड्यूल पूरा क्रैश है अभी, अब मुझे पता है मुझे नींद आएगी 12 से 1, उसके बाद फिर टाइम है 2 बजे क्लास, मैं क्या करूँ? सुबह भी क्लास, फिर चैंटिंग, फिर अब सो तो सकते नहीं, तो इसलिए मैंने दिमाग क्या होता है, अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं सुबह खा लूँगा फिर नींद तो आएगी और मुझे सोना भी है, खा लूँगा नींद आ गई तो मैंने पाचन क्रिया बंद कर दी, खाना पेट में पड़ा हुआ है, बीमार हो जाऊँगा मैं। अब डिब्बे में खाना रखो, अगले दिन क्या होगा, सड़ जाएगा, समझे? तो पेट में खाना पड़ा रहेगा, पाचन नहीं होगा, वो सड़ेगा, उसमें बदबू आएगी, गंदगी निकलेगी और सारा आपके सिस्टम में जाएगी, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, मैंने अभी बताया था, क्या होगा, आम, हाँ टॉक्सिन्स आएंगे। इसलिए टेक्निक ये है, अब मुझे पता है ऐसा होगा और मैं रोकना भी नहीं चाहता, क्योंकि फ्रेश भी नहीं रहूँगा जब बोलूँगा अभी क्या कैसे होगा, तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट कम खाता हूँ, मैं नहीं खाता, पेट में डालो ही नहीं, थोड़ा सा वो चीज़ें डाल दो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, फ्रूट्स में जूस पी लो, थोड़ा सा पी लोगे वो तो ख़त्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, फिर सोगे तो बीमार नहीं होगे, समझ रहे? तो मैं एक एग्जांपल विवेक का दे रहा हूँ, इसमें विवेक चाहिए थोड़ा सा, आप रूल समझ लोगे तो आप थोड़ा सा इसमें कर सकते हो, क्लियर हो गया, समझ गए? तो उससे ज़्यादा एनर्जी आएगी और ज़्यादा माइंड फ्रेश रहेगा, वरना पागल हो जाओगे, समझ गए? एक एग्जांपल दिया है, समझे ना? तो मुझे पता है वो ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो इसमें मत खाओ, मत ही खाओ, स्पेशली अन्न, अगर आपने अन्न खा लिया तो बॉडी बहुत ज़्यादा एक डाइजेस्ट पाचन मोड में आ जाती है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए काशी पे अन्न मना किया है ना, बॉडी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता अगर अन्न नहीं हो तो, अन्न मतलब यहाँ पे कुक्ड समझ लो, आपके कुक्ड पकौड़े भी उसके वो भी सेम है अन्न के इक्वल, ऑलमोस्ट बॉडी को उतना ही काम करना पड़ता है, तेल चला गया ना, तेल में फ्राई हो गया और जो भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए भाई आप जूस पी लो, ख़त्म हो गया, अपना रेस्ट कर लिया, जल्दी उठ गए, नींद भी जल्दी खुल जाएगी, दोपहर को रेस्ट करेंगे, कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं है, फ्रेश हो अपना, ठीक चलो हो गया, क्लियर है, समझ गए? सो ये रूल्स हैं आपके पास, अब आप दिमाग लगा के इन रूल्स को फॉलो कर सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर है, समझ गए? एक एग्जांपल दिया, ओके नेक्स्ट, कितने हो गए, 5 हो गए, 5, पाँचवा क्या था, मैं भूल गया, है हाँ सोना नहीं है, ठीक है, और 10:30 से 1:30 के बीच में रात को सोना पक्का चाहिए, मतलब उस टाइम आप सोए होने चाहिए, आप पहले सो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम सोए होना चाहिए आपको, उठना नहीं चाहिए उस टाइम। अब 1:30 मिनिमम लिमिट है, 1:30 तो खींच खाच के मिनिमम रखा है, अगर आप रियली में आइडियल पूछो तो 10:30 से 2:30 है, क्योंकि तो मतलब अगर आप टेक्निकली पूछो तो 10:30 से 3:30 है, समझ गए ना, मगर 10:30 से 3:30 तो 10:30 से 1:30 आपका मिनिमम हो गया, 1:30 से 3:30 के बीच में क्या हो गया, 2:30 है ना, तो 10:30 से 2:30 एक बहुत अच्छा टाइम है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए रात को रेस्ट करने के लिए, इसलिए 2:30 बजे से पहले उठना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, बीमार हो जाओगे आप। कोई उठता है यहाँ पे, कोई उठता है 2:30 बजे से पहले, पूछ रहा हूँ ऐसे ही,
कई लोग उठते हैं, नए डिवोटीज चैंटिंग करने के लिए जल्दी उठते हैं, चलो जल्दी उठेंगे होगा, 2 बजे उठ जाते हैं। उठता है कोई यहाँ पर? हाँ ठीक है। सो लॉन्ग रन में हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सुबह अच्छी जरूर उठते थे पहले, 2 बजे बहुत पहले, तो महाराज से ऐसी बात कर रहा था तो हम सब बैठे हुए थे, अजीब कह रहे थे मैं उठता हूँ महाराज चैंटिंग करता हूँ। तो मैंने कहा सभ्याची प्रभु आप पक्का बीमार होने वाले हो 5 साल में, आप उठ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार हो जाना मेरे पास आ जाओ। तो क्योंकि ये रूल है, बॉडी के नियम है, आप तोड़ोगे तो बीमार हो। ओल्ड एज में बीमारी आएगी आपको, अभी नहीं आएगी, बीमारी आएगी पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर्स, बुढ़ापे की बीमारी नहीं होती पार्किंसोनिज्म, हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं, याददाश्त खो जाती है, वो बीमारियां हो जाएंगी आपको, क्रोनिक डिजीज़। इसलिए 2 बजे रिकमेंडेड नहीं है। हमारे आश्रम में भी उठते थे 2 बजे, मैंने मना कर दिया अभी मत उठो, हेल्दी नहीं है। हमें 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 लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना, ये 100 मीटर भाग के थोड़े ना बैठ जाना है। सो अगर आपको उठना है तो 2:30 बजे से पहले उठना किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, उस टाइम बॉडी को सुलाना है। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे से 10, 10:30 से 2:30 बजे रात को, सॉरी या दिन में, सॉरी मैं रात की बात कर रहा हूँ ना, रात को 10:30 से 2:30, रात को 10:30 से 2:30 के बीच में क्या होता है, बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, बॉडी डाइजेशन नहीं कर रही होती, बॉडी एब्जॉर्प्शन कर रही होती है, समझे, क्लीनिंग होता है उस टाइम, क्लीनिंग का टाइम है बॉडी का, भी जितने भी टॉक्सिन्स हैं, आमा जम गया है, बॉडी को सुला दिया, मशीन काम नहीं कर रही, मशीन अब क्लीनिंग होगी, है ना, क्लीनिंग उसी टाइम करते हैं ना जब सब बंद हो गया सिस्टम, क्लीनिंग। अब आप जाग गए 2 बजे, बॉडी क्लीनिंग मोड में, आप जाग गए, आपने बॉडी को सिग्नल दे दिया मैं उठ गया हूँ, बॉडी कह रहा मैं क्लीनिंग कर रही हूँ भाई थोड़ी देर रुक जाओ, आपने कहा भाड़ में जाओ। सारे हार्मोन्स आपके उल्टे फुलटे हो जाएंगे, बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाएगी और आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी, क्रोनिक टॉक्सिन धीरे धीरे आपकी नर्व्स में आने सेटल होने लगेंगे, उसकी माइलिन शीथ हट जाएगी, पार्किंसोनिज्म, नर्व्स की बीमारी शुरू हो जाएगी, आपको क्रोनिक बीमारियां शुरू हो जाएगी, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत सारी जो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कई सन्यासी बीमार हैं इस्कॉन में यही ड्रामे कर करके, मुझसे तो बात करते रहते हैं ना, मैं तो बताता हूँ भाई महाराज जी आपने तो गड़बड़ कर दी, तो बीमार होना ही है। सो मैं गया था कैंसर्स में, तो वहाँ पे तो एक्चुअली दानवीर महाराज बहुत बीमार है, उनको पार्किंसोनिज्म हो गया, दानवीर महाराज बहुत तपस्या करते थे, ऑस्टेरिटीज, उनको रूल्स पता नहीं है, तो मैंने कहा महाराज आपने रूल्स तोड़ दिए बेसिक, ओ तो बीमार होना ही है। आप एक बात समझ लो, आप चाहे शुद्ध भक्त हो फिर भी बीमार हो गए, समझे, बॉडी बॉडी है, क्लियर है, मैंने बताया था ना, आप चाहे शुद्ध भक्त बन जाओ, आपकी गाड़ी नहीं चलानी आती, गाड़ी खराब होगी, शुद्ध भक्त टॉलरेट कर लेते हैं उसको, उनकी भक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रभुपाद बीमार हो गए ना एंड में, अपनी बॉडी को खींच के, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभुपाद ने खींच लिया, प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभुपाद की भक्ति में कोई इफेक्ट नहीं है, हमारी भक्ति में इफेक्ट आ जाएगा। राधा गोविंद महाराज बीमार हैं, पता है ना, राधा गोविंद महाराज उनके तो हेमरेज ही हो गया, राधा गोविंद महाराज बहुत खींचते थे अपने आप को, भागवतम पढ़ने के लिए तो 1-1.5 बजे उठते थे, उनको डॉक्टर ने बोला अभी तक मत करो, BP हाई था, उन्होंने ही सुनी, ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब क्योंकि मुझे इसलिए पता क्योंकि हम रातों को मैं उसको ट्रीट कर रहा था, मैं और मेरा फ्रेंड एम्स में एडमिट हुए थे ना, तो मेरे भी फ्रेंड से तो उनको सजेशन दे रहा था, तो रातों के महाराज ने बाद में अपने सारे हिस्सों से कहा भैया आराम से सो लो, बॉडी टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट पूरा आराम से चल लो, हेल्थ ख़राब हो गई तो कुछ नहीं होगा, समझे, सबका, सारे सन्यासियों का जिनकी हेल्थ ख़राब है उनका एक्सपीरियंस यही है कि हेल्थ सही रख लो, वरना लॉन्ग पूरी लाइफ आप नहीं कर पाओगे भक्ति, समझ गए। सो सिंपल नियम है, क्यों तोड़ना है आपको, आधे घंटे के लिए क्यों बीमारी चाहिए आपको, मत उठो आधे घंटे पहले। वेल तमाल कृष्ण महाराज ने बोला है, प्रभुपाद ने तो नहीं बोला, तमाल कृष्ण महाराज की ओपिनियन है, होता जरूर है जब अच्छे से, ये मैं मानता हूँ डेफिनेटली,
बट आपको चूज करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में हेल्दी नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज की अपनी ओपिनियन है, मुझे नहीं पता वो हेल्थ में एक्सपर्ट थे या नहीं, वो सन्यासी थे। हेल्थ वाइज आयुर्वेद रिकमेंड नहीं कर रहा, हम तो हेल्थ से देख रहे हैं ना, अभी हेल्थ का सेमिनार है ना। अब ऐसे तो बहुत सारे सन्यासी बहुत कुछ बोलते हैं, हमें क्या पता उनको हेल्थ के बारे में पता है नहीं पता है। मगर ये रूल है, हम तोड़ेंगे खराब होगी बॉडी, बस इतना। सो बट चैंटिंग अच्छी होती है, ये बात तो सही है। तो ठीक है, आदमी 2:30-3 बजे उठ जाए, चैंटिंग कर ले, फिर 16 माला क्यों ख़त्म करनी है सुबह। अब जनरली डिवोटीज़ क्या है वहाँ पे आश्रम में, भी 2 बजे उठ रहे हैं, 16 माला ख़त्म हो गई, फिर मंगल आरती के बाद भी चैंटिंग करनी है, वो तो कंपलसरी है। फिर 16 माला ख़त्म हो गई, फिर उसमें 16 में से एक्स्ट्रा कर रहा है, फिर वो ठीक है हो रही है, फिर उसके बाद नींद आ रही है उसको, फिर आधे तो सोए पड़े मिलते हैं श्रृंगार आरती से पहले, उनको उठाओ भैया उठ जाओ आ जा। सो अगर नहीं भी हो रहा तब भी अनहेल्दी, अगर फ्रेश भी है हम, कई लोग कर लेते हैं, कई लोग की बॉडी सही रहती है, लॉन्ग रन में बहुत हार्मफुल है। सो आपको डिसाइड करना है, आपको हेल्थ चाहिए या आपको थोड़े टाइम के लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए, वो आपके ऊपर है, आप कर लो। मैं तो टेक्स्ट से बता रहा हूँ, समझे, मैं आयुर्वेदिक टेक्स्ट से बता रहा हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है कर लेना, नहीं करना मत करना, मुझे मेल मत करना कि प्रभु जी हम करना चाहते हैं मगर यहाँ पे कुड्डे वोटी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वो आप खुद ही देखते रहना जो करना है। बट ये है तो है, बस है ना। आप खाना यहाँ से खाओगे, टॉयलेट कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे, बस ये है तो है, ऐसे ही होगा। तो जो लिखा है वही होगा। ऋषियों ने लिख दिया, अब आपके ऊपर है, देख लो जो करना है कर लो। तो 2:30 बजे से पहले नहीं उठना चाहिए, हेल्थ के लिए बेकार है। सारी रिसर्च आयुर्वेद और मेडिकल रिसर्च भी ये कहती है, सर्केडियन रिदम हार्मोन्स नहीं अलाउ करेंगे आपकी बॉडी को, देख लेना आप। मिनिमम 2:30 से पहले तो क्वेश्चन ही नहीं है उठने का, मैं क्वेश्चन ही नहीं है बोल रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अगर आप बिल्कुल आइडियल चाहते हो तो 2:30-3 बजे बहुत आइडियल है, क्योंकि ब्रह्मचारी लाइफ में देखो, आप ब्रह्मचारी लाइफ में, आश्रम लाइफ में 9 बजे तो नहीं सो सकते, नहीं सो सकते ना, 9 बजे सो जाते हैं यहाँ पर, हाँ कुछ लोग सो जाते हैं। अगर आप 9 बजे भी सो गए तब भी आप 2:30 बजे नहीं उठ सकते, क्योंकि बॉडी उस मोड में नहीं है ना वहाँ उस टाइम। 10 बजे से तो चलो उठना ही नहीं है, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो थके ही रहोगे। हमारे यहाँ डिवोटी सो जाते हैं, भद्रिकाशा में लाइट नहीं है तो 9 बजे सोते ही, लाइट नहीं है तो सोना ही पड़ता है ना 9 बजे। तो कुछ डिवोटीज फिर उठ रहे थे 2 बजे, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मत उठो फिर, अब सब लोग 2:30 बजे उठते हैं, फ्रेश हैं, अच्छा फील करते हैं और चलते हैं अपने आराम से। उसमें फिर दिन में नींद भी नहीं आएगी आपको ज़्यादा, वरना दिन में सोना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नींद आएगी फिर, क्योंकि 2 बजे उठ रहे हो, फिर दिन में आप 2 घंटे सो गए, वो रूल टूट गया आपका, चक्कर है ना वो, फिर उसको क्या करोगे। तो इस तरह चलना चाहिए कि ये गोल्डन रूल्स ना टूटे, क्लियर है। सो दिन में 10:30 से 1:30 बजे आपको सोना नहीं है दिन में, और खाना नहीं है, क्योंकि उस टाइम डाइजेशन हो रही है, समझे ना, आप डाल सकते हो और ना सो सकते हो, क्योंकि डाइजेशन पाचन क्रिया करनी है। अगर आप अच्छा चाहते हो तो 10:30 से 2:30 बजे तक दिन में भी, 1:30 मैंने कम से कम रखा है, 10:30 से 2:30 बजे तक सो मत, खाओ मत कुछ भी, ना पियो मत। अब खाना और पीना मतलब इतना सा भी नहीं खाना आपको, समझे, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपने थोड़ा सा भी डाला सिस्टम चालू हो गया, और ना इतना सा पीना है। ऐसा नहीं है कि भी हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, नहीं थोड़ा टॉलरेट कर लो, 1:30 बजे बात कर लो जो भी करना है, और बिल्कुल सेफ रहना है तो 2:30 बजे बात कर लेना, बस समझ गए। और रात को ऐसे ही 10:30 से 2:30 बजे सोना, सो जाओ, उस टाइम कुछ खाना पीना नहीं, चाय चाय वैपा नहीं, सो जाओ अपना आराम से, ओके। अब 10:30 से 2:30 बजे सोने के लिए आपको सोना शुरू करना पड़ेगा 10 बजे, क्योंकि माइंड एक्टिव है ना, 10:30 बजे लेटते थोड़े ना कोई नींद आ जाएगी आपको, वो नहीं होता,
मोस्टली नहीं होता, अगर आप बहुत थके हो तो हो जाएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पूरे दिन फिजिकल काम करके और लेटती है, बट जनरली नहीं होता। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा 8:30 से 2:30 आपको गहरी नींद में होना चाहिए, समझे ये रूल है, नींद के अंदर होना चाहिए आपको, तो हेल्दी रहोगे। तो उसके लिए फिर आपको 10 बजे थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी लेट रहे हैं। उसके लिए आपको 10 बजे, ऐसा नहीं है कि आप 9:30 बजे लड़ने शुरू करा झगड़ा, 10 बजे तक झगड़ा किया फिर लेटे तो माइंड एक्टिव हो गया फिर आप सो लो फिर। इसलिए सोने से पहले ज़्यादा एक्टिव काम नहीं करना चाहिए, समझे, ये भी एक रूल है, गोल्डन नहीं है मगर ये रूल है, ध्यान रख लेना। मेजर प्रॉब्लम ब्रह्मचारी लाइफ आश्रम में यही होती है, भाग रहे हैं भूग रहे हैं सब कर रहे हैं, लेट गए माइंड इतना एक्टिव है इधर उधर की बातें कर करके, वो नहीं होता। आप आराम से 10 बजे बैठो, माइंड को पीसफुल करो, 10 चीज़ें मत सोचो, थोड़ा कृष्णा बुक पढ़ लो, चैंटिंग कर लो, कुछ सोचो मत, आराम से सो जाओ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रूल ये समझ गए, दिन और रात का समझ गए ना आप, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट रूल है, ये तो आपको पता होगा, संध्या के वक्त कभी भी सो मत, खाओ मत, नहाओ मत, समझे, सोना खाना नहाना संध्या के वक्त वर्जित है। आप करोगे पक्का बीमार होगे, आप करोगे तो भूत घुस जाएंगे आप में, देखना, संध्या के वक्त भूत घुस जाते हैं। संध्या क्या होती है किसी को पता है? संध्या क्या होती है? दिन और रात का, ठीक है, मगर पता कैसे लगेगा? गाय कहाँ है यहाँ पर? अरे प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, वो तो ब्रह्मोरत हुआ ना 1.5 घंटा, मैं संध्या की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल कैसे पता लगेगा संध्या? संध्या वो समय होता है जब ना सूरज होता है ना तारे होते हैं, समझे, वो संध्या, बस वो दिन और रात का जंक्शन है। तो शाम को भी समय आएगा जब सूरज ढल गया, तारे भी नहीं है, है ना, सिर्फ रोशनी है। सुबह भी ऐसा होता है, भी चांद चला गया तारे चले गए, सूरज अभी आया नहीं, भी रोशनी है सिर्फ, तो सिर्फ रोशनी होगी उस टाइम, ना सूरज होगा ना तारे होंगे ना चांद होगा, वो संध्या होती है बस, उसी को संध्या कहते हैं। प्रैक्टिकली ऐसे पता लगा लेते हैं, सुबह जंक्शन है, जैसे सुबह आपका भाई मंगल आरती के बाद ऑलमोस्ट संध्या शुरू हो जाएगी, है ना, थोड़े टाइम बाद, समर्स में तो संध्या शुरू हो गई, तो मंगल आरती के बाद अगर सोने जाओगे तो आप गए काम से, फिर नहीं सो सकते आप। अब ऐसा नहीं है कि छुप के कहीं कोने में घुस के सो गए फिर आ गए श्रृंगार आरती, वो होता है ऐसा कोई रूम में जाकर सो गया, कोई डब्बे के अंदर घुस के सो गया, कोई अलमारी में घुस के सो गया, कुछ बस इसी तरह, कोई ऑटो में जाकर सो गया, बहुत ड्रामे हैं। दोपहर की संध्या 12 बजे है बस, दोपहर की संध्या को हम संध्या टेक्निकली मानते नहीं, बट गाय जो गायत्री करने वाले उनको दोपहर की संध्या देखनी होती है, दोपहर की संध्या 12 बजे के आसपास ही मानी जाएगी, 12 बजे के 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद, एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद, वो उससे हम कर लेते हैं बस वो संध्या, उसमें गायत्री करनी होती है। पहले टाइम तो होता नहीं था, पहले सर पे सूरज डायरेक्टली सर पे होगा, 12 कुछ वेदे प्रैक्टिकली तो ऐसे ही चलेगा। अब आश्रम में तो यही करते हैं, सपोज लाइट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैंने तो सबको यही सिखाया भी आप बिना गैजेट्स के देखो कैसे करना है, तो सीधा सामने होगा ऊपर सन, 12 बज गए और संध्या हो गई दोपहर की, शाम को ऐसे पता लग गया लाइट से, कोई ज़रूरत ही नहीं घड़ी। तो किसका एक अच्छी पारण के लिए टाइम चाहिए वो तो देखना पड़ता है, उसका मुझे अभी कोई सॉल्यूशन निकला नहीं,
बट टेक्निकली क्या है, टेक्निकली सारे शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, पारण सूर्य उदय होने के बाद आप मोस्टली पारण कर सकते हो। सूर्य उदय हो गया, संध्या खत्म हो गया, सूर्य उदय हो गया, तो मोस्टली आप टाइम देखो उसमें सेट हो जाता है। एक दो एकादशी है जिसमें भाई बस 15 मिनट है, 5 मिनट है, अदरवाइज मोस्टली ऐसे ही चलते हैं ना, 7:15 से 10, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पारण करने में, इतना तो बिग डील। मैं तो नहीं देखता टाइम, सूर्य उदय हो जाता है पूरा, फिर मोस्टली हमें पता ही है गैप रहता है तो तोड़ लेते हैं बस। हम लोग 2-3 एकादशी का हमें पता ही है जिसमें बिल्कुल 7:15 से 7:21 वो देखते रहो टाइम, वो ऐसा चलता है बस। क्लियर है, समझ गए? सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, संध्या के वक्त ना सोना है, ना खाना है, ना नहाना है, तीनों चीज़ें नहीं कर सकते आप, और ना ही बाथरूम जाना है, चार चीज़ें नहीं कर सकते आप, नहाना, खाना, सोना और यूरिन जाना, नहीं जा सकते। टॉयलेट जाओगे तो नहाना ही पड़ेगा, वो तो वैसे ही टूट गया, क्योंकि अगर आपने करा ही है तो भूत घुस जाएंगे आपने, बस ऐसे ही है वो आपको पता थोड़ा ना लगेगा आपके अंदर भूत घुस गए, करंट थोड़ा ना लगेगा, मगर सटल एनिटीज घुस जाती है, फिर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, बस और कुछ नहीं। फिर आप कहोगे आज मेरा माइंड बड़ा डिस्टर्ब था प्रभु जी, सो से सीधा क्वेश्चन पूछो, तू छोया था मंगल आरती के बाद? मोस्टली हाँ प्रभु जी, उससे सो मैं शाम को सो गया, गौर आरती में नींद आ गई, दैट्स प्रॉब्लमैटिक। आप करके देखना, ऐसे ही है। नहीं, प्रैक्टिकली बता दिया मैंने, ना ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना तारे हैं, आप देख लो बाहर जाकर, सिर्फ रोशनी होगी बस, उससे पता लग जाएगा। टाइम से आप चलोगे तो कंफ्यूज होगे, टाइम से चलना है तो फिर सुबह का तो देखो, टाइम से चलना है तो फिर सब सूर्य उदय से देखना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, सूर्य उदय के 24 मिनट पहले। एक्चुअली क्या है, टाइम से चलोगे ना, सूर्य अस्त जब हो जाएगा, जो बिल्कुल सूर्य की बात कर रहा हूँ, सूर्य अस्त हो गया तो रोशनी शुरू हो गई, तो उसमें आपको 24 मिनट्स की संध्या होती है, एक घड़ी सूर्यास्त के बाद 24 मिनट्स की संध्या होगी, टाइम ये है शाम को। और दिन में जब तारे और चांद चले गए, सूर्य उदय हुआ नहीं, तो वो भी गैप 24 मिनट्स का ही होता है ऑलमोस्ट, वो 48 मिनट्स का होता है, बट 24 मिनट्स की जो टाइम होगा वो संध्या मानी जाती है। तो टाइम से आप चलोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप देख के चलोगे तो इजी रहेगा, बहुत वो सही रहता है, क्योंकि चेंज भी होती रहती है ना, सूर्य उदय देखो, सूर्यास्त, समर, हर दिन चेंज होता रहता है एक एक करके, वरना पंचांग देख लो उसमें लिखा होगा, नेट पे देख लो, नेट पे लिखा होता है, सनसेट टाइम क्या उससे कैलकुलेट कर लो, सनराइज टाइम क्या उससे कैलकुलेट कर लो। सो क्लियर है? ओके, कि कौन से रूल पाया अब? हाँ, सेवेंथ रूल है, अब गोल्डन रूल है कि सोने का बताऊँ, खाने का, सोने का तो चलो खाने पे बात कर लेते हैं। सेवेंथ रूल है कि खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हमेशा मुंह, हाथ, पैर धोना, ये ट्रेडिशन है। ये आप साउथ इंडिया जाओगे ना, साउथ इंडिया में धोगे नहीं पैर तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे जंगली है ये, पता है साउथ इंडिया में ट्रेडिशन है, कहेंगे इनको इतना भी नहीं आता कहाँ के साधु हैं, गंदे हैं। हाथ, पैर और मुंह धोना होता है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। क्यों धोना होता है किसी को पता है? स्पेशली खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले भी सही रहता है। क्यों? हमेशा भूत थोड़े ना घुसते रहेंगे, बात आपकी पॉइंट है उसमें, बट एक पॉइंट पहले, एक प्रैक्टिकल पॉइंट में चाहता हूँ वो बात है। क्योंकि क्या है कि अगर आप खाना खाने से पहले हाथ पांव और मुंह मतलब आँख, नाक, कान और मुंह, उसको हम धो लेते हैं, सेंसेस हमारी,
जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है ना, ज्ञान इंद्रियों को धो लेते हैं हम, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नहीं धोगे खाना खाने से पहले तो पानी जब धोगे ना तो ये ठंडा हो जाएगा, हीट निकल जाती है, हीट निकालनी है आपको हाथ से, ऐसा नहीं आचमन करके आ गए प्रभु जी हमने धो लिया, वो काम नहीं करेगा। सो पॉइंट ये है कि हाथ पांव धोना है, अच्छी तरह धोना है, क्योंकि क्या है कि सारी हीट निकल जाएगी बॉडी से, तो हीट निकालना ज़रूरी है। अब हम नहा तो सकते नहीं, नहा लो तो बेस्ट है, नहाएंगे नहाते थोड़ा ना रहेंगे, तो हाथ यहाँ तक धोने से, पैर नीचे धोने से और ज्ञान इंद्रिया धोने से, उसको स्नान ही माना जाता है, उसको अर्ध स्नान बोलते हैं। तो उससे बॉडी फ्रेश हो जाती है, बॉडी फ्रेश होती है तो जब खाओगे तो डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, समझे? आप थके थके खाओगे तो क्या डाइजेशन होगी, है ना? थके थके आ गए और आपने ऊपर से और अंदर डाल दिया, तो बॉडी पहले थकी हुई है, फिर कह रहे और चल और कर, वो तो बीमार हो जाओगे आप। सो इसलिए थकावट सो इसलिए धो आप, और खाना खाने के बाद भी धोना होता है, क्यों? क्योंकि आप खाना खाने के बाद आपने जब हाथ पांव धो लोगे तो उससे क्या होगा, तो उससे ये ठंडा हो गया सारे आपका सारा, ठीक है, तो जो ब्लड है ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में, ये गर्म है ये ठंडा है ना, यहाँ तो पानी नहीं डाला ना आपने, ये ठंडा है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उससे ब्लड फ्लो पड़ेगा तो डाइजेशन अच्छी होगी, समझे? क्लियर हो गया ना? तो ये साइंटिफिक चीज़ है, बस और कुछ नहीं है। सो वो करना बहुत ज़रूरी है चीज़ है, और स्पेशली खाना खाने के बाद अगर आपने पैर नहीं धोए तो ये सही कह रहा है कि पैर में झूठा बूटा लग जाता है तो उससे फिर भूत घुस जाते हैं, ऐसे ही है, देवी देवता भी घुस जाते हैं, वो भी थोड़े गंदे टाइप के होते हैं कुछ, सब है चीज़ें तो हैं। काम क्रोध लोग माइंड डिस्टर्ब होने लगेगा, ऐम ही दोष आने लगेगा, ऐम ही आपका हो यार आज तो सब कुछ सही कर रहा था पता नहीं क्या हो गया। सो ये बात है, क्लियर है? ओके अब कौन सा रूल है? हो गया, सात हो गया ना। आठवां रूल है कि कभी भी थके हो, कभी भी बहुत थके हो तो खाना मत खाना, ध्यान रखना। जनरली टेंडेंसी होती है हम बहुत थके हैं खाना खा लो, है ना? नहीं, खाना मत खाना, क्योंकि थके हो आपने मशीन को एक और काम दे दिया और थक जाएगी मशीन, उस टाइम आपको सिर्फ पीना चाहिए। आप बहुत थके हो तो पहले आप कुछ पी लो एनर्जी के लिए, और थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो या नहा लो, थकावट दूर करके खाओ। थकी हुई बॉडी में खाओगे तो सब टॉयलेट बन जाएगा, खाने का फ़ायदा नहीं है, आपका खाने का फ़ायदा भी नहीं होगा, अब बॉडी और ख़राब हो जाएगी। फिर आप कहोगे हम इतना खाते हैं एनर्जी आती नहीं, प्रभु जी थोड़ा च्यवनप्राश ला दीजिए, बस मंदिर में ही चलता रहता है, प्रभु जी कोई टॉनिक ला दीजिए, कोई ये कर दीजिए, एनर्जी नहीं आ रही, एनर्जी नहीं आ रही। कुछ ब्रह्मचारी ऐसे ही रोते रहते हैं, एनर्जी नहीं आ रही, एनर्जी नहीं आ रही, एनर्जी ऐसे होता नहीं, होता है क्यों? तो मरे पड़े रहते हैं, एनर्जी नहीं आ रही, हम खा रहे इतना है, क्या करें? सो उसको काउंसलिंग मिलती है, दो चपाती और खा ले यार। वो एडवाइसेस सब सही नहीं है, वो एनर्जी खाने से नहीं आती, सिर्फ एनर्जी सही डाइजेशन से आती है, समझे? सही पाचन होगा तो एनर्जी आएगी, ठूसने से थोड़ा ना कोई एनर्जी आ जाएगी। आप कितने ठूसते रहो कुछ नहीं होगा, टॉयलेट बन जाएगा, सब बेकार हो जाएगा सर। आप प्रसाद को टॉयलेट बना रहे हो तो फिर और बकवास हो गया। दैट्स आइडिया। और आपको पता लग सकता है कि आपका खाना वेस्ट हो रहा है, पता है कैसे? बहुत सही, बहुत इजी मेथड है। जब टॉयलेट करने जाओगे तो एक गोबर की तरह टॉयलेट आएगी आपको, इतनी ज़्यादा, कई लोगों को इतनी ज़्यादा आती है। इसका मतलब आपका सिस्टम, आपका आपकी ईटिंग हैबिट बहुत ही गंदी है, आपका सारा खाना टॉयलेट बन रहा है, ऐसे ही है बस। आप देख लेना,
और अगर अभी टॉयलेट में बहुत ज़्यादा बदबू है इस वो भी गलत खा रहे हो आप, इसका मतलब सड़ रहा है अंदर, सड़ रहा है, इससे पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो। सब कभी हेल्दी नहीं रह सकते उस केस में, आपकी डाइजेशन भी अच्छी नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगा सब। क्लियर हो गया? तो बहुत थके हो, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से है, बहुत थके हो भैया, भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है, भूख तो लगेगी, इतनी मेहनत करके आओगे गर्मी में, मगर थके हो तो खाना मत। इस इल्यूजन है, आपको भूख लग रही है, आप सोचो भूख लग रही है खा लूँगा तो भूख तो खत्म हो जाएगी मगर बॉडी ख़राब हो जाएगी। सो क्योंकि आपको अगर भूख लगने पर खाना चाहिए मगर बॉडी थकी है, फिर क्या करोगे? तो खाओ मत, आपको भूख लग रही है ना तो उस टाइम कुछ पी लो, पानी पी लो, जूस पी लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, हाथ पांव धो, थोड़ा नहा लो अगर नहा सकते हो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सो लो 15-20 मिनट, है ना, फिर फ्रेश होके फिर खाओ, तो कम में ज़्यादा एनर्जी आएगी। अब रूल्स तोड़ोगे तो ज़्यादा में भी खाओगे कुछ एनर्जी नहीं आएगी, रूल्स फॉलो करोगे अब कम खाओगे पूरी एनर्जी आएगी आपको, और प्लस बोनस ये माइंड भी फ्रेश रहेगा, दोनों चीज़ें। समझ आ रही है मेरी बात सबको? कुछ पूछना तो पूछते रहे ना। अपने हिसाब से देखो, आपको फ्रेश फील होना चाहिए, आपको थकावट हटनी चाहिए, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग है। आयुर्वेद में कभी भी टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं है, ये सब मॉडर्न जो लोग बोलते हैं ना टाइम, इतने गैप के बाद आप इतना करो, आयुर्वेद में कहीं नहीं है, वो ऐसी जनरल बना रखा है। जैसे भी खाना खाने के 40 मिनट बाद आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, है ना, इमीडिएटली नहीं पीना चाहिए, पता है ना, तो सबको तो वो घड़ी देख रहा होता है, भाई प्यास लग रही है नहीं पी सकते, 40 मिनट हुआ हाँ चलो भैया, ऐसे नहीं चलती बॉडी, इसलिए टाइम नहीं है कहीं, आपको खुद अपने अंदर देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। सो खाना खाने के बाद जब खाना पच जाए तब पानी पी सकते हो, उसमें आधा घंटा लग सकता है, उस डिपेंड करता है आपने क्या खाया है, आपने फीस्टिंग खा ली तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अब आज छोले पूरी बने हैं हैवी है उसका और क्या स्वीट में क्या था, हलवा वो और सुपर हैवी, तो 40 मिनट का टाइम ही नहीं चलेगा, कैसे मशीन डाइजेस्ट कर लेगी? तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि डाइजेस्ट हो गया, कैसे पता लगेगा कि खाना डाइजेस्ट हो गया? ऑलमोस्ट ऐसे खाना डाइजेस्ट करने में 6 घंटे लगते हैं, बट पेट से निकल जाएगा वो बाहर, वो तो पूरी इंटेस्टाइन है ना, तो कैसे पता लगेगा कि हमारे पेट से निकल गया वो? ऑलमोस्ट है, भूख थोड़ा ना लगेगी, 40 मिनट दोबारा भूख लग जाएगी, है ऐसा थोड़ा ना होता है, खाते ही रहेंगे फिर तो आदमी, ऐसा नहीं होता। खाना कैसे पता लगेगा? आपका पेट थोड़ा लाइट फील करेगा, लाइट समझते हो ना, हाँ थोड़ा हल्का फील करेगा पेट, तब आप पानी पी सकते हो, बस ये तरीका है। आयुर्वेद हमेशा टाइम और घड़ी से नहीं चलता, समझे, फीलिंग से चलता है, खुद से देखने से चलता है। जो भी लोग कहते हैं टाइम है वो सब गलत कह रहे हैं, वो सब बेकार की बात है, एक जनरल आइडिया है, बट जैसे मैंने आपको बोला 10:30 से 1:30 टाइम बता रहा हूँ ना, वो तो एक जनरल आइडिया है वो, क्योंकि घड़ी है टाइम है, क्योंकि आपको देखना नहीं आता कि संसार कैसे चलता है, समझे, सर्दियों में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाएगा, समझे, तो वो एक आप जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही पता लगने लगेगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा आपको कि 10:30 बजे पित्त का समय शुरू हो गया गर्मियों में, फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्दियों में थोड़ा लेट शुरू होगा, है ना, क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में आप 11 बजे से कर सकते हो, 10:30 का रूल तोड़ सकते हो, बट आपको अभी समझ नहीं है तो आप टाइम से ही चलो, समझे, क्लियर हो गया ना, अभी तो अंडरस्टैंडिंग कुछ है नहीं, टाइम से चलना बेटर है। क्या कह रहे हो? प्रसाद लेने के और सोने के बीच में, उसमें भी आपका पेट जब लाइट फील हो जाए तब सो, बस ब्रेकफास्ट के बाद तो 10:30 से 2:30 सोने जा सकते, लंच के बाद
साढ़े दस से आप अगर ढाई अब डेढ़ कर लो, चलो ढाई ठीक है कर लो, फिर तो अगर लंच ढाई बजे की बात की उसके बाद। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अच्युत कृष्ण से भी बात कर रहा था मैं, डेढ़ बजे जो आप खाना लेते हो वो बहुत अनहेल्दी है। अच्युत कृष्ण वो मुझसे बात कर रहे थे इस कंसर्न में, हम गाड़ी में बात कर रहे थे। किसने सजेस्ट किया था वैसे अच्युत कृष्ण डेढ़ बजे? उज्जैन में आयुर्वेदिक डॉक्टर है। अच्छा, पता नहीं क्यों कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं अच्छा, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो कभी नहीं करेगा। अभी जो उडुपी में सुबह 9 बजे और शाम को 5 बस यही होता है आजकल। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी तो सब चंपू बन गए हैं सब कुछ नहीं आता, यूट्यूब से देख दाख के बस करने लगे हैं कुछ, खुद भी पढ़ते नहीं एक्चुअली। आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद प्रैक्टिस नहीं करते अपने ऊपर, इसलिए उनको विद्या कभी समझ नहीं आएगी। वैदिक विद्या प्रैक्टिस करने से आती है ना, ये मेडिकल साइंस नहीं है सिर्फ। जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं प्रैक्टिस करते नहीं, खुद कुछ और करते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। मैं हमारी मीटिंग होती है गुरु महाराज के साथ, तो काफ़ी बात तो होती है हेल्थ की भी, ये तो कुछ डिवोटीज़ कहते हैं कि भाई ठीक है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं कहता हूँ भैया छोड़ दो सब, वो फॉलो कर रहा है खुद तो बात मानो, वरना मत मानना, है ना। भक्ति में भी ऐसी है ना, जो फॉलो नहीं कर रहा उसको क्या आएगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि सब फीलिंग्स और इंट्यूशन से चल रहा है अंदर, नहीं टाइम से नहीं चल रहा है, ये सब कुछ नहीं करते, बकवास लोग होते हैं। सो डेढ़ बजे तो खाना खाना एक बहुत ही डिज़ास्टर है। काफ़ी इस्कॉन टेम्पल्स में होता है, होता है नहीं होता है, होता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बहुत। हाँ, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे, बिल्कुल कम ले रहे हो, तो डेढ़ दो बजे ठीक है, तब उस केस में ठीक है। अगर आप ले ही नहीं रहे, आपका रूटीन ही ऐसा है, थोड़े फ्रूट्स लिए आपने सुबह बस, फिर आपने डेढ़ दो बजे फिक्स किया, तो फिर भी ठीक है, मगर डेढ़ बजे तो बहुत डेंजरस है। सुबह भी दबालिया, दोपहर के दबालिया, ये तो क्या है ये, डेढ़ बजे देखो लॉन्ग रन में तो ठीक नहीं है, साढ़े दस से डेढ़ वो तो मैंने मिनिमम बताया है, ढाई से पहले कुछ भी छूना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपकी बॉडी कर जाए तो कर जाए, वरना बीमार हो जाओगे। यंग एज में तो फिर भी कर जाएगी, जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ढाई बजे से तो पहले आपको छूना ही नहीं चाहिए कुछ, कि बॉडी डाइजेस्ट कर रही है भाई, आप क्यों डाल रहे हो उसमें। सो पता नहीं आप लोग, अगर आप लोग चेंज कर सकते हो, सुबह 9 शाम को 5 साढ़े 4 जो भी है, साढ़े 4 तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में ब्रह्मचारी हेल्दी रहेंगे। हाँ, ऑफरिंग कितने बजे होती है? जो भोग भोग आरती जो होती है। हाँ फिर, हाँ फिर क्या करोगे यार? अच्छा, क्योंकि फुल भोग बनाते हो आप लोग, नहीं तो फिर या तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा कि भी ऑफरिंग भगवान के लिए थोड़ी सी हो 12 बजे, अगर अभी तो पिक्चर्स हैं तो फिर लेट कुकिंग शुरू हो, पता नहीं, शायद हमारे यहाँ तो लेट करते हैं, 4:30 बजे का टाइम होता है, तो 2 बजे कुकिंग टीम जाती है, फिर वैसा करती है। मगर होता कैसे, ऐसे 8 बजे 9 बजे लेते हो आप, कुकिंग टीम ने 9 बजे तक बनाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कुकिंग कब शुरू करते हैं? हैं तो वो तो पागल ही हो जाएंगे, कुकिंग ही करते रहेंगे सुबह से दोपहर तक। अच्छा, आपके यहाँ खिचड़ी होती है? आई डोंट नो, यू हैव टू, खिचड़ी भी तो दबा के खाते हैं खिचड़ी क्या करेगी उसमें, करेगी क्या खिचड़ी, वो लाइट खाना भी होता है, मगर कितना खा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। सो ब्रह्मचारियों को ज़्यादा खाने से रोकने से भगवान भी नहीं रोक सकते, वो खाएंगे ही खाएंगे। इसलिए जो रूल है ना कि भूख छोड़ देनी चाहिए, मैं बोलता ही नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, यंग एज में वैसे भी पॉसिबल नहीं होता, आदमी खा ही लेता है। सो अब तो कुकिंग टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी आपको, मुझे नहीं पता कैसे करना है, बट आठ बजे कफ का टाइम खत्म हो जाता है,
8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट होना चाहिए और 12 से 2 के बीच में पिट का टाइम होता है तो डाइजेशन अच्छा। ये देखो ये पागल आदमी उसने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, वो कह रहे हैं पित्त का टाइम होता है, बिल्कुल सही है, सभी कहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि दो तरह की पित्त होती है, एक पित्त होती है डाइजेशन की, एक पित्त होती है क्लीनिंग की। तो जब डाइजेशन हो रही है, पित्त का टाइम है, तो खाना क्यों डाल रहे हो यार, इमीडिएटली कैसे डाइजेस्ट कर देगी मशीन? मशीन को टाइम भी तो लगेगा डाइजेस्ट करने में, आपने 9 बजे खाया है, पेट में गया और हार्मोन सीक्रेट हुए, एंजाइम सीक्रेट हुए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, उसमें टाइम लगेगा, फिर शुरू होगी, है ना? जैसे कुकिंग में आप पानी भरते हो, टाइम लगता है ना गर्म करने में, पानी को टाइम लगेगा, फिर चावल बनेंगे, इमीडिएटली थोड़े चावल जल्दी बन जाएंगे। सो ये गलत बोल रहे हैं, सब सभी बोलते हैं ऐसा। अरे तो वो लेंगे तो इमीडिएटली कैसे हो जाएगा डाइजेस्ट, चक्कर ही है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात भी है, बताता हूँ, अगर अग्नि जब से ज़्यादा है अग्नि, ठीक है, आपने डाल दिया तो क्या होगा, तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो जल जाएगा। आप आग जला के डाल दो खाना, तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो जलता है, तो धीमी आग में खाना बनता है, इसलिए इनके पागलों के लॉजिक गलत हैं। अब इसको तो खुद पढ़ते नहीं, खुद प्रैक्टिस करते नहीं। हाँ देखो वही कह रहे हैं ना जो मैंने बोला है, हाँ देख लो बस वही बात आ गई। हाँ बस यही बिल्कुल सही नॉलेज है। ये नॉर्थ वाले ना बस लफंडर होते हैं सब आयुर्वेद। आप देख लो जितने सब फेलियर होते हैं आयुर्वेद वाले, जिनका मेडिकल MBBS में नहीं होता, वो आयुर्वेद जाके करते हैं और कुछ नहीं पढ़ते वहाँ, और बस अपना इधर उधर की मेडिसिन रट के देते रहते हैं, यूट्यूब पे देख के बस बोलते रहते हैं। एक्चुअली रियल आयुर्वेद साउथ इंडिया में है ना, वो पढ़ते हैं अच्छे से, तो इसलिए उनको सही पता रहता है मोस्टली। सो नॉर्थ के आयुर्वेद से तो पूछना ही नहीं चाहिए कुछ। सो कन्फर्म हो गए ना मेरी बात, वो उसने बता ही दिया जो मैं कह रहा हूँ वही बात है, हैं बस वो ठीक है। हाँ 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 9:05 ना, हाँ वृंदावन भी ऐसे ही कर दिया ना, हाँ 3 चलो ठीक है, 3 बजे तो 3 से 5 करते हैं ना, कोई डिवोटी कहीं से आया, कोई डिवोटी कहीं से आया, इतना बड़ा टेंपल है वहाँ, तो कोई बुद्धिस्ट सर्विस पे कोई कहाँ है, तो वो एक गैप रख लेते हैं, चलो ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। गांव में जैसे पहले लोग 11 बजे लेते थे शाम को ले रहे हैं 11 बजे, गाँव में एक्चुअली पहले ना लोग सुबह लेते थे 7:30 बजे, खेतों में बल्कि काम बहुत चलता था, बल्कि जल्दी उठ जाते थे तो पूरा काम करके 7:30 बजे लेते थे और फिर शाम को लेते थे अच्छे से, क्योंकि पूरे दिन काम करते थे फिर खेत में, दोपहर को आके हो सकता है रेस्ट वेस्ट करके पता नहीं क्या करते थे, मुझे नहीं पता, बट सुबह शाम ही होता था गांव में अच्छे से। कृष्णा कब लेते हैं लंच? यशोदा माँ तो भेजती हैं उनको पैकेट बना के, भेजती हैं वो कब लेते हैं? हाँ मॉर्निंग में, हाँ 10:30 के बीच में ले लेंगे शायद मे भी, पता नहीं कब लेते हैं, रिसर्च करनी पड़ेगी, मैंने सोचा नहीं, देखना पड़ेगा कृष्णा कब लेते हैं। 6 से 8 सुबह ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं कृष्णा? 6 से 8 का टाइम होता है, सुबह दूध वूध पी के तो जाते ही हैं, हाँ थोड़ा खिलाती हैं, फिर जाके खेलते वेलते हैं, 10 बजे खा लेते होंगे लंच वंच कुछ, फिर अपना खेल खूल के आ जाते हैं। I don't know, something he might be doing. So anyway, हमारा तो हमारा है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग उपवास का आयुर्वेद से ही आ रहा है, बट थोड़ा मॉडर्न मिक्सचर है इसमें, बट बुरा आइडिया नहीं है, मैं बताता हूँ अभी। आपको क्या पूछना था, किसी को पूछना था? संध्या कहाँ आ रही है? क्या कह रहे हो? संध्या तो भाई संध्या तो 6 बजे है।
अपराहन आएगा, मध्याह्न के बाद अपराहन आता है, संध्या नहीं आती। 3:30 थोड़ी ना संध्या होती है, जब सूरज नहीं है चांद नहीं है वो तो 6 बजे होगा, समर्स में तो 7:15 बजे देख लो आप, 7 से 7:20 देखना, विंटर्स में थोड़ा और पहले हो जाएगा 6 बजे। रेस्ट करना है 2:30 बजे के बाद कर सकते हो आप, 2:30 से संध्या तक टाइम है रेस्ट करने का। संध्या के वक्त मना करते हैं, टाइम से मत जाओ, समर और विंटर में चेंज हो रहा है ना। मोस्टली 6 बजे के बाद ही होती है, मोस्टली भोपाल में 6 बजे के बाद ही होती है बस। आप ऊपर जाओगे तो फिर वो 6 बजे से पहले भी होने लगेगा, शिमला मेमला चंडीगढ़ एरिया में, क्योंकि वो सन जल्दी हो जाएगा ना। 5 तो बहुत जल्दी हो गया, 5 बजे कभी संध्या शुरू नहीं होती। सेफ मानना है तो 6 मान के चलो बस, 6:45 बस सेफ है। जो भी हाँ उसके बीच में आप खा सकते हो, सो सकते हो, नहा सकते हो, टॉयलेट कर सकते हो, जो भी करना है कर लो। हाँ वही सिचुएशंस, हाँ वही तभी मैं कह रहा था देख के चलना पड़ेगा, डिफरेंस है। नहीं वो खाने के बाद तुरंत कभी भी नहीं सो सकते, हाँ देख कुछ 15-20 मिनट का ब्रेक देना चाहिए। डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, 1/2 घंटे में भी निकल सकता है, अगर आपका पेट ख़राब है उसी टाइम निकल जाएगा। डिपेंड करता है, किसी का पित्त ज़्यादा है तो 1/2 घंटे में लाइट हो जाता है, किसी कफ बॉडी है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत डिपेंड करता है, लाइटनेस आ जानी चाहिए बस, बहुत डिपेंड करता है, कुछ नहीं पता। देखो कोई लिमिट नहीं है, बॉडी खुद बता देगी। मॉडर्न जो कहते हैं ना पानी बहुत पीना चाहिए, कहते नहीं है वो सब पागल लोग हैं, उनकी बात मत सुनो, गलत है वो। आयुर्वेद कुछ नहीं कह रहा है, ऐसा आयुर्वेद कह रहा है जितना बॉडी की ज़रूरत है उतना दे दो भाई, सिंपल फॉर्मूला है। क्यों घुसाते जा रहे हो पानी, क्यों बॉटल लेके घूम के पीते रहते हो, क्यों करना है, प्यास लगे पी लो, बॉडी बता रही है ना आपको मुझे चाहिए, डाल लो, नहीं चाहिए मत डालो, काम खत्म हो गया, सिंपल है। कब 1 लोटा कब पी लेते हो वो आपके ऊपर है, आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किससे पानी का कम पीने से, पानी कम पीने से कभी स्टोन नहीं होगा, पानी ज़्यादा पीने से स्टोन होगा, समझो उल्टा है, आप देख लेना, स्टोन होने के बाद पानी ज़्यादा पीना चाहिए स्टोन निकालने के लिए, वो बिल्कुल सही है, मगर ज़्यादा पानी पीके स्टोन होगा। स्टोन बनता है मिनरल्स से, मिनरल्स फोकस बनता है उस पर, चीज़ें जमती रहती हैं, समझे कैलकुला है, वो पानी से सप्लाई होता है, पानी नहीं पियोगे तो स्टोन कभी नहीं बनेगा। मैं नहीं पानी पीता, मैं 3 दिन में एक बार पीता हूँ, अभी समर्स में तो पी लेता हूँ मैं, मगर मैं पीता नहीं पानी, क्योंकि खाने में पानी हो जाता है, जूस हो जाता है, वो हो जाता है, मैंने पानी पिया नहीं यहाँ पर, मैं जब से पानी नहीं पिया, मैंने ज़रूरत ही नहीं है, क्यों पिए, पीना ही क्यों है पानी, यहाँ पर तो चलो पंखा भी है सब है तो प्यास भी नहीं लग रही, और हैबिट भी है, जूस वूस हो गया खाने पीने में, और मैं सुबह अन्न भी नहीं खाता तो मुझे ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती, मुझे पता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं, ख़त्म हो गया बस, क्यों पीना पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो स्टोन नहीं हो, मुझे तो 25 साल हो गए, 30 साल मैं पानी पीते नहीं, 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में एक बार पीता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो
गरुड़ पुराण में लिखा है जो पानी कम पिएगा वो हेल्दी रहेगा, ज़्यादा पिएगा वो बीमार होगा। हाँ, ये मॉडर्न लोग सब पागल हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं सब। अब यार इतने बड़े सारे तपस्वी होते थे पहले ऋषि मुनि, कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, क्या सब बीमार हो जाते थे क्या? हेल्दी रहते थे ना वो लोग। ये सब मॉडर्न हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है सभी। आयुर्वेद अलग साइंस है, समझे, वो अलग चीज़ है। आपकी अपनी बॉडी की ऊर्जा काम करने लगती है फिर, समझ रहे हो? आप खाते रहोगे, पानी पीते रहोगे, आपकी ऊर्जा काम नहीं करेगी अपनी बॉडी की। सुना है, हमारी बॉडी में ऊर्जा होती है, पता है ना आपको, वह एक्टिवेट होती है। स्टोर्ड बॉटल तो नहीं, आप लोग पानी कैसे पीते? आप लोग तो घड़े में भरा होता है ना, आपको क्या होता है? आप लोग का पानी कैसे होता है? आरो तो चलो लगेगा ही लगेगा, सिटी में कुछ नहीं कर सकते उसका। फिर अच्छा ठीक है, पी सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, मगर आरो लगाते क्यों आप? क्लीननेस के लिए बस ना। एक्चुअली आरो जो होता है ना, आरो से मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं पानी में। आरो रिवर्स ऑस्मोसिस ही है ना, अच्छा मेंटेन रहता है। ठीक है फिर आप पी लो, कोई प्रॉब्लम। देखो उसका कोई हल भी नहीं है ना कुछ चीज़ें तो, मगर मैं बॉटल का पानी नहीं पीता, पैक्ड बॉटल का मैं नहीं पीता, क्योंकि पैक्ड बॉटल का पानी तो पूरा मतलब कब से पैक्ड है पता नहीं, पागल ने 40 दिन पहले पैक किया होगा वो पानी, नहीं रहा वो, कुछ और बन गया, वो दिख रहा पानी है, उसमें केमिकल्स भी डालते हैं पता है आपको, वरना पानी सड़ जाएगा, दो दिन में सड़ जाएगा, वो क्यों नहीं सड़ रहा? उसमें केमिकल्स डलते हैं, उस केमिकल का नाम होता है क्लोरोफ्लोरोसल्फोन्स होते हैं। सो आप अगर असली में देख लोगे ना केमिकल, वो केमिकल अगर मैं एक बूंद डाल दूंगा ना यहाँ, यहाँ की सारी चिपकलियाँ, सारे मच्छर मर जाएंगे, इतना पावरफुल होता है। जो हमारे एक डिवोटी हैं वो एक काम करते थे, तो उन्होंने हमें बताया दिखाया भी था, देखो ये डालना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। अब मॉडर्न के हिसाब के लिमिट्स, सेफ लिमिट्स में डालते हैं, ऐसा नहीं है लिमिट्स ख़राब है, बट आयुर्वेद के आपसे केमिकल तो चला गया ना आपके अंदर, और पानी पड़ा हुआ है तो वो गंदे, और उसमें प्राण भी नहीं है, वो पानी काम नहीं करेगा, बेकार पानी है वो, यूजलेस है वो। सो जहाँ तक हो सके बॉटल, पैक्ड बॉटल का पानी मत पियो, तो हेल्दी रहोगे जहाँ तक हो सके। कभी कभी कुछ कर नहीं सकते आप, मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए, बहुत प्यास लग रही है, कुछ भी नहीं है, मर रहे हो, तो फिर ठीक है, मरता क्या ना करता, पी लो। इन जनरल अवेलेबल है तो मत पियो, है ना, ज़्यादा अच्छा है वो। कई जगह बॉटल्ड पानी लेना पड़ता है, जैसे साउथ दिल्ली में, वहाँ पानी नहीं आता है ही नहीं, बॉटल्ड पानी खरीदना पड़ता है, उस वहाँ पे क्या करेगा वो बंदा, फिर पिएगा, बट जहाँ है चीज़ है वहाँ क्यों पीना है, बॉटल पैक्ड मत पियो, समझ गए? बस पीते रहो, कम पियोगे तो अच्छा है, बस झंझट ही ख़त्म। कौन सा पानी पीना, झंझट ही ख़त्म, पीते ही नहीं हम। कम पानी पी से पेट साफ़ नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने गलत हैबिट बना ली, ज़्यादा पानी पी पी के बॉडी को बता दिया कि पानी पीऊँगा तब पेट साफ़ होगा। कुछ लोगों को चाय पीना पिए बिना पेट साफ़ नहीं होता, पता है, कुछ लोगों को सुट्टा मारे बिना पेट साफ़ नहीं होता, तो हैबिट गंदी बना ली हमने। हैबिट ही गंदी बना लेंगे तो फिर तो होगा ही होगा, फिर क्या है, फिर तो होना ही, मेरा तो हो जाता है तो पानी नहीं पीता। हैबिट की बात है, आप अच्छी हैबिट बना लोगे तो सही रहेगा, गंदी हैबिट बना लोगे तो गंदी बन जाएगी, फिर प्रॉब्लम। मगर अगर पेट साफ़ नहीं होता, उसका तरीका है, रूल, अब नेक्स्ट रूल लिख लो कि रोज़ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज से हो जाएगा, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए मैं बता दूंगा, मगर ये लिख लो, अभी मैं इस पॉइंट पर दोबारा आ जाऊँगा। पिछला पॉइंट क्या था,
क्या भूल गया फिर से। हाँ तो एनीवे हम डिस्कशन क्या कर रहे थे, अभी खाने पीने की कर रहे थे ना। कोई और क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लो। सातवां जो रूल बताया था ना उसको प्रैक्टिकली, जैसे हाथ मुंह धोना खाने के पहले, हाँ मुंह धोना है, फिर तिलक भी लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ तिलक लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ खाना खाने से पहले हाथ तो हाथ पैर तो धो लो, पानी लेके आँख पे लगा लेता हूँ, नाक पे और मुंह कुल्ला और ऐसे कर लेता हूँ बस, यहाँ नहीं लगाता मैं, तो तिलक रहता है खाते वक्त। खाना खाने के बाद पूरा धोता हूँ अच्छी तरह और फिर तिलक लगाना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो बात है, वो फिर लगाता हूँ मैं फिर अच्छी तरह धोकर। पेट भरा पूरा नहीं भरा, लोग कहते हैं हाँ वो प्रैक्टिस गंदी बना ली, वो वही बता रहा हूँ हमने बैड हैबिट्स बना ली, पेट भरा नहीं है तो अच्छी नींद आती है। हाँ वो प्रैक्टिस की बात है, जब मैं एकादशी करता हूँ मैं नहीं खाता, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, और नींद अच्छी आनी चाहिए क्योंकि सिस्टम बंद है, सिस्टम को कुछ नहीं करना, आराम से नींद बहुत अच्छी आती है, बट हैबिट्स गंदी बन गई है ना हमारी, तो उससे फिर अब फिर कोई खाता नहीं, फिर नींद नहीं आएगी, इधर उधर होता रहेगा, प्रैक्टिसेस गंदी हो गई हैं, वो क्या करेंगे बताओ, वो थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, एक बार चेंज हो गई तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो सही रहेगा। स्वीट्स आप जितनी कम खाओ उतना अच्छा है, मगर डिपेंड करता है आपकी प्रकृति पे। जो कफ वाले हैं उनको तो खानी कम चाहिए, कफ वाले समझते हैं आप कौन होता है, कौन है बताओ यहाँ पे कफ वाला है, अच्छा आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, आपको कैसे पता क्या, अरे कफ पे बात पे तो कफ की बात कर रहा हूँ मैं, कफ की बात नहीं कर रहा। अरे वो कफ अलग है, कफ प्रकृति, जैसे ये कफ प्रकृति का है, आप भी कफ प्रकृति के, जो थोड़े हेल्दी होते हैं नेचुरली, जो हवा से भी मोटे हो जाए वो कफ प्रकृति के, वो खाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो नेचुरली वैसे ही होंगे, जो खाते खाते भी मोटे नहीं होते पतले ही रहते हैं वो या तो पित्त हो सकता है या वात, जो पित्त वाला होगा उसको गर्मी बहुत लगेगी, जो बात वाला होगा उसको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, उससे पता लग जाएगा, बात वाले की स्किन भी ड्राई होगी, ज़्यादा पतला होगा। सो कफ बात पे, जो कफ वाला है, अब ये तो चलो फिर तो डिटेल में चले गए, इन जनरल स्वीट्स कम खानी चाहिए समझे, इन जनरल ध्यान रख लो, चाहे कफ हो चाहे पित्त हो चाहे बात हो, कफ वाले को तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, आपको तो ध्यान रखना। हलवा खाया था आज? बीमार हो जाओगे, कफ वाले खाएंगे तो जमता रहेगा अंदर। सो बट इन जनरल स्वीट्स कम खाओ, क्योंकि एज ब्रह्मचारी के लिए भी स्वीट्स अच्छी नहीं है वैसे भी, और चक्कर यह है कि स्वीट्स जो होती है ना चीनी है, चीनी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, चीनी है ना वो कार्बोहाइड्रेट समझ रहे हो ना, तो वह एनर्जी देता भी एनर्जी लेता भी है डाइजेस्ट करने के लिए, फिर वो फैट बन जाएगा, फिर वो सब हो जाएगा, स्वीट में फैट भी होता है, बहुत फैट होगा ना बहुत ज़्यादा, दूध मलाई मक्खन, तो उसको एनर्जी बहुत चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप जितनी एनर्जी डाइजेस्ट पाचन के लिए लगाओगे जितनी ले रहे हो उतनी खर्च भी हो जाएगी, तो स्वीट खाने का एज़ फार एज़ एनर्जी देने का पॉइंट है उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा खाओ, थोड़ा सा खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एनर्जी आएगी, आपने दबा के खा लिया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा सब और अनहेल्दी हो जाओगे, और वैसे भी चीनी ज़्यादा चीनी खाने से नर्व्स वीक हो जाती हैं, नसें आपकी वीक हो जाएंगी ज़्यादा चीनी खाने से, और ज़्यादा चीनी खाओगे तो इंसुलिन सिक्रीट होगा, इंसुलिन होता है ना बॉडी में पता है ना, इंसुलिन जब सिक्रीट होता है तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन जब कम होता है तो एनर्जी कम हो जाएगी आपकी बॉडी में, देखना आप सोचोगे मैं बहुत स्वीट खा लूँगा एनर्जी हो जाएगी, कम हो जाएगी देखना, उल्टा हो जाएगा।
सो इसलिए स्वीट ज़्यादा मत, थोड़ी सी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी तो चलो खा लो क्योंकि वरना आपको क्रेविंग होगी चीनी की, वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कम खाओ और अपने आराम से चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, 10 बजे के बाद लेते नहीं हैं मैक्सिमम 10:30 एसिडिटी है तो फिर आपको थोड़ा सा लेके सही कर लेना चाहिए, वो अलग बात है। तो बीमारी हो गई ना तो थोड़ा आप खाना खा के सही कर लो। हाँ प्रैक्टिस से सही हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, शुरू में थोड़ा होगा, थोड़ा लेके सही कर लो, फिर धीरे 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 हो जाता है, प्रैक्टिस की बात है बस। एक हाँ उसमें एक पॉइंट है, खुद से मांगती है तब देना चाहिए। अब आप कहो प्रभु जी मेरी तो हर घंटे में मांगती रहती है, भूख लगती रहती है, भूख से पता नहीं लगेगा आपको सिर्फ कि बॉडी मांग रही नहीं मांग रही। भूख बहुत इल्यूजन है, सिर्फ अगर भूख लग रही है साथ में कोई शरीर में लक्षण है तब आपको पता लगेगा बॉडी मांग रही है। भूख लग रही है वीकनेस भी हो रही है, भूख लग रही है मुँह भी सूख रहा है तब बॉडी मांग रही है। सिर्फ भूख लग रही है और बाकी सब सही चल रहा है इसका मतलब माइंड भी कंफ्यूज कर रहा है, जीवा वेगम है उद्रपत सवेगम है। सो थोड़ा सा ट्रिकी है उसमें, वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बॉडी भूख तो लगती रहेगी, हमें गंदी आदतें पड़ी हुई हैं ना, गंदी आदतें हमें। सो एक बार ट्रेन हो जाओगे, एक बार ट्रेन हो जाएगी बॉडी तो फिर भूख उसी टाइम लगेगी जिस टाइम असली में मांगेगी डिसिप्लिन से, तो वो सेट रहेगा। अभी नहीं पता लग रहा तो अभी आपको शरीर को भी साथ में देखना पड़ेगा, भूख लग रही है प्लस वीकनेस भी हो रही है प्लस मुंह में पूरा सर में चक्कर भी आ रहा है तो ठीक है मांग रही है बॉडी। अगर ना आपको वीकनेस है ना सर में चक्कर है ना प्यास लग रही है सिर्फ भूख लग रही है तो थोड़ा टॉलरेट कर लो वो चली जाएगी देखना। अगर नहीं जा रही फिर भी तो सीरियसली मांग रही है फिर खा लो। नींद भी होती है जैसे कभी कभी नींद आती है, आप थोड़ा टॉलरेट करो चली जाती है ना। अगर बहुत ही आ रही है आप करते रहो तो फिर भी सोना ही पड़ेगा आपको, तो ऐसे ही पता लगता है, थोड़ा टॉलरेट करना बेटर रहता है चली जाती है। स्वीट मांग रही है बॉडी बॉडी स्वीट का मांगती है मन करता है स्वीट का और नमकीन का, बात सही है। कुछ नहीं थोड़ा सा ले लो बस, नहीं नहीं बॉडी नहीं मांग रही ये मांग रहा है वो हमारी आदतें गंदी आदतें, थोड़ा सा ले लो हो गया बस। बॉडी का कुछ फंक्शन नहीं है, टेस्ट एक इंडिकेटर है कि बॉडी को क्या चाहिए, बट टेस्ट बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। नहीं, वो इच्छाएं जेन्युइन होनी चाहिए ना, वो माइंड कंफ्यूज कर रहा है आपको। जेन्युइन वेग को दबाने से प्रॉब्लम होती है, ये तो इल्यूजरी मिथ्या वेग भी आ रहा है अंदर से गंदी आदतों की वजह से, वो बड़ी प्रॉब्लम है ना। वो तो गंदी हैबिट लगी है हमें स्वीट्स खाने की, वो भी तो हो सकता है। तो फ्रूट्स ये किसने कहा है क्यों नहीं ले सकते, ले सकते डिपेंड करता है। जैसे खरबूजा कहते हैं वाटरमेलन, फ्रूट्स अन्न के साथ ले सकते हो अगर अन्न से पहले लो। अरे साथ साथ ही तो कह रहा हूँ यार, पहले मतलब प्लेट लगी हुई है, आपने पहले फ्रूट्स ले लिया फिर खिचड़ी ले ली, खिचड़ी के बाद भी फल ले सकते हो आप, आम वाम तो बाल ले सकते हो, बाद में वाटरमेलन नहीं ले सकते ना, पानी है ना उसमें, तो वो अच्छा नहीं है। तो आप देख के ले लो पहले फ्रूट कौन से लेना है बाद में कौन से लेना है, खिचड़ी लेनी है हो जाएगा बस। अच्छा वो कह रहा है साथ में थोड़ी खिचड़ी थोड़ा फल थोड़ा खिचड़ी, ये कह रहे हो क्या ये नहीं कह रहा, मगर वो कर सकते हो
कोई नहीं, थोड़ी खिचड़ी थोड़ा फल, थोड़ा खिचड़ी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा एंड खिचड़ी से करना, एंड फल से मत करना। जिस चीज़ से एंड होता है वो बॉडी सिग्नल लेती है, समझे? अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता रहा, जो एंड करोगे वो सिग्नल फाइनल होगा बॉडी के लिए, उससे बॉडी हार्मोन सिक्रीट करेगी। सो एंड में क्या कर, वही अंत यम यम वापी स्मरण भावा, वही एंड का ही सब है खेल, वही डेस्टिनेशन है आपकी। स्वीट्स डिपेंड करता है, पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, बीच में भी ले सकते हो, बहुत सारे व्यूज हैं। श्री संप्रदाय में तो एक दूसरे का सर फोड़ दिया, वड्डा कलाए कहते हैं पहले लेनी है, टिंक कलाए कहते हैं बाद में लेनी है, लड़ाइयाँ हो गई, खून हो गया स्वीट पे। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है इशू, बहुत रिसर्च का टॉपिक है। सो मेरा कंक्लूजन तो निकला था कभी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही है। मगर आप पहले स्वीट ले लोगे तो भूख ख़त्म हो जाएगी आपकी, आपने ज़्यादा पहले स्वीट ले ली तो भूख ख़त्म हो जाएगी, चीनी है ना, भूख ख़त्म कर देगी वो। आयुर्वेद आपसे नहीं मैंशनड है, वो एक जगह है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वड़ा कलाई वाले कहते हैं पहले लेना चाहिए, वो बहुत सारे शास्त्रों में बहुत कुछ है। आइडिया ये है कि स्वीट लेने से क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन होगा तो आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ शास्त्रों में क्या, शुरू में भी ले सकते हो, शुरू में लेना है तो थोड़ा कम लो, ज़्यादा मत लो, एंड में लेना है तो आप ज़्यादा ले सकते हो, मेरे को एंड ही करना है। मगर आपको अपनी बॉडी किसे देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। अगर आप एंड में लोगे पूरी भूख ख़त्म हो गई, वो भी प्रॉब्लम है, भूख तो रखनी है थोड़ी सी, तो बीच में भी ले सकते हो आप। सो ऐसा कुछ है नहीं। वैसे अंते माधुर्य रस, माधुर्य रस तो आदि रस है। कहते हैं कड़वी, फिर नमकीन, फिर स्वीट, सब थ्योरी है। बहुत स्क्रिप्चर में बहुत कुछ दिया है, इसका कोई सेट नहीं कर सकता। मैंने पूरी रिसर्च की है, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ है, कोई कोई कहेगा ऐसे ही है, कोई कहेगा ऐसे ही है, बहुत सब बहुत दिया है। पूरी रिसर्च करके मैं तो किताब ही लिख रहा हूँ ना, मुझे पता है ना क्या क्या चल रहा है। डजेंट मैटर, आप जब खाओ ना, आपको पहले क्या चाहिए बाद में क्या चाहिए वो अपने माइंड से देख लो आप, बस बेस्ट है। बस एक रूल है खाने का कि पहले ठंडी फिर गर्म, एंड ठंडे चीज़ों से मत करना। ऐसे स्वीट कभी ठंडी होती है ना, ऐसे रबड़ी और ठंडी ठंडी नहीं होगी, एंड ठंडी चीज़ों से मत करना, बस इतना ज़रूर कर लेना, ये रूल है। बाकी खाते रहो अपना सब। जैसे मान लीजिए भी आपने आपने खाना खाया, फिर स्वीट खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा आपने स्वीट ले लिया, फिर खाना खा लिया, फिर आपका को ठंडा जूस पीने का मन कर रहा है, आपने पी लिया, एंड आप सही चीज़ से कर दो, एंड में आप गरम और एक अंत से कर दो तो ठीक है अपना, नमकीन से नॉर्मल से वो थोड़े लूप होल्स हैं। आयुर्वेद कुछ नहीं कहता प्रभु, रूल नहीं है, छाछ एंड में ही लेनी चाहिए ऐसा है, क्योंकि छाछ से डाइजेशन हो जाती है अच्छी, ये है। बट डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। अब शाम को आप एंड नहीं कर सकते छाछ से, बीमार हो जाओगे। सुबह कर सकते हो, आपको जुकाम है फिर नहीं कर सकते एंड में, आपको पहले लेनी चाहिए। तो कोई गोल्डन रूल नहीं है, मैं गोल्डन रूल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे कोई रूल नहीं है। और डिपेंड करता है आप छाछ बना कैसे रहे हो, आपने छाछ पुदीने वाली बनाई है, उसमें छौंक लगा के बनाया, जीरे वाला, अजवाइन वाली बनाई है, वो सब वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये, कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, रूल नहीं है, गोल्डन रूल नहीं है, बस ये ले सकते हैं आप आराम से। ये मेरी रिसर्च है, समझे, मुझसे लड़ना मत, प्रभु जी वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, आपको जो करना है कर लो, बीमार हो जो करना है मेरी भला से हो। मैं तो जो बता रहा हूँ टेक्स्ट में जो लिखा है ऐसे और ऐसे ही है, आप रिसर्च कर लेना, टाइम हो तो देख लेना, यही निकलेगा। क्या होता है आइस क्यूब? वैसे तो नहीं लेनी चाहिए, मगर अगर आप बहुत गर्मी है सिस्टम में
तो डाल सकते हो ठंडा करने के लिए बॉडी को, क्योंकि कभी कभी गर्मी चढ़ जाती है सिस्टम में। नहीं नहीं नहीं, तो वो लेने के बाद फिर आप एंड प्रसाद से कर लो ना, एंड पे मैटर करता है। आप आइस डाल के पी लो दबा के, फिर थोड़ी सी खिचड़ी ले लो एंड में। बॉडी को कंफ्यूज करना है, समझे? वो अब हम भी तो चालू हैं, तो बॉडी को सिग्नल वो चले जाएंगे तो बॉडी सेट हो जाएगी। ये आयुर्वेद में लिखा है, मैं नहीं कह रहा है, आयुर्वेद में लिखा है ऐसे कर लो। क्योंकि कभी कभी बहुत प्यास लगती है ना, कभी कभी गर्मी भी लगती है, आपको पीना ही पड़ता है, होता है नहीं, मतलब कैसे करोगे आप? तो उसका तरीका ये होता है। अभी निटी ग्रिटी चीज़ें हैं थोड़ी सी, ऐसे ही है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है। हमेशा लंबी रेसा घोड़ा बनना है। कल मगर मान के चलना होता है कि हम एक लाइफ स्पैन जी, अदरवाइज तो कैसे होगा? वरना तो सारे सन्यासियों की तरह हम बीमार पड़े रहेंगे। और ज़रूरी भी नहीं, अगर हम करते रहेंगे ना तो ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में बीमारी आए। आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी पहले से वीक है अंदर से, तो यंग में बीमारी आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनली वीक होती है ना अंदर से कुछ लोगों की, तो यंग में बीमारी शुरू हो जाएगी। अब वो पता नहीं ना किसके अंदर से वीक है, किसके अंदर से वीक नहीं है, वो हिट कर देगी बॉडी को, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। सो मैच्योरिटी तो कहती है आराम से चलते रहो भैया। ये मैं समझ गया आपकी बात, मगर ठीक है, अगर इतना ही वो है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो सो ही मत, सो मत, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, टाइम बचाना है, सो मत, काम खत्म। भक्ति विनोद ठाकुर तो फिर वो तो भी चैंटिंग भी करते थे, उनका तो लेवल्स भी डिवोशन का इतना हाई था, हमारा क्या लेवल है फिर? हमारे को एक्चुअली वो कर सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि चैंटिंग से रस आता है। आयुर्वेद कहता है कि जब माइंड में रस का अनुभव होगा तो हार्मोन्स बिल्कुल अलग चेंज होंगे, आपकी बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट होगी, वो अपने आप बॉडी पीसफुल हो जाएगी, अपने आप रेस्ट मिल जाता है। जितना नींद में रेस्ट मिलेगा उतना रेस्ट उससे ज़्यादा मिल जाएगा, अगर माइंड में रस अनुभव हो रहा होगा। ये आयुर्वेद में लिखी हैं चीज़ें, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी बॉडी कोप अप कर जाती है। हमें तो कोई रस भी नहीं मिल रहा, तो फिर वो तो स्ट्रेस आता रहेगा ना उसमें, प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हो विशाल? तो नहीं लेना चाहिए फिर आपको। बिल्कुल नहीं लेना, तो 3 दिन में थोड़ा सा ले लेना, वरना सपने आने लगेंगे स्वीट के। नहीं आ रहा तो मतलब जब तक नहीं आ रहे बहुत अच्छा, नहीं आ रहे तो बहुत ही अच्छा, मतलब आप पे है, मुझे नहीं पता। वो डिपेंड करता है, वो कि आपको फोर्स थोड़ा ना करेगा स्वीट ले लो प्रभु, मतलब एक मैं अच्छी क्वेश्चन बोलूँ। जैसे अलग 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 बॉडी की अलग अलग नेचर है, तो एक इंडिविजुअली जो हम रूल फॉलो करते हैं आसान रहता है, लेकिन जब कम्युनिटी लेवल पर रह रहे हैं थोड़ा मुश्किल है। और जो सेवा फिक्स है, प्रसारण टाइम फिक्स है, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब हमें हेल्थ मेंटेन भी करना है और अपने हिसाब से करना। नहीं, अपने ये जो गोल्डन रूल्स हैं ये अपने हिसाब से हो ही नहीं सकते, तभी मैंने गोल्डन रूल्स बताया, मैंने और कुछ बताया ही नहीं। ये तो सिस्टम में सेट हो जाएगा सब, और प्रसाद तो कॉमन बन रहा है, तो जब प्रसाद आपके पास आ रहा है तो आप चूज़ कर लो उसमें से, ज़रूरी नहीं आपको जो बना है वही खाना है। भी आप मत खाओ सब्जी, मत खाओ, आपको लग रहा है अभी अभी फ्राइड है मुझे नहीं खाना, सब्जी मत खाओ, अब दाल चावल ले लो। आपको लग रहा है मुझे दाल और सब्जी नहीं खानी, गर्म है, चावल खा लो सिर्फ, काम ख़त्म, ऐसे ही चावल खा लो, थोड़ी सी दाल डाल के मिला के खा लो, गरीब लोग भी तो खाते हैं ऐसे ही, नमक डाल के खा लो। सो डिपेंड करता है, सारे आइटम खाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें चूज़ कर सकते हो, उससे आपकी हेल्थ सही रहेगी।
स्पेशल तो बनवा नहीं सकते ना आप ब्रह्मचारी आश्रम में, मेरे लिए बना दो मेरे लिए, वो तो होता नहीं, तो उसमें चूज़ कर लो, काम ख़त्म, दैट्स ऑल। कितनी क्वांटिटी, क्या आइटम खाना है ले लो बस। इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं तो आएगा, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा हूँ। हाँ मैं बता ही नहीं रहा हूँ, तभी नहीं बता रहा मैं। छोटे छोटे रूल्स बता दिए तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी ब्रह्मचारी आश्रम में, क्योंकि आप लोगों को अभी सेट भी नहीं करना आता, नहीं लॉजिक भी नहीं पता कि कहाँ आप चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैंने गोल्डन रूल ही बताया है, वो बस हो जाए तो काफ़ी है। छोटे छोटे रूल्स आप कर भी नहीं पाओगे, उसके लिए आपको साइंस पता होनी चाहिए, वो बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा। उसके लिए कंटिन्यूस सेमिनार्स चाहिए, थोड़ा माइंड को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बॉडी काम कैसे करती है। क्या कह रहे हो अतरम? पता है मुझे। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, लोग बैठ के पी रहे थे, पता है मुझे। ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट लोग कहते हैं खड़े होकर पियोगे तो घुटने ख़राब हो जाएंगे, पानी है ना। बट एक्चुअली क्या है, ट्रेडिशनली साउथ इंडिया में आप देखो खड़े होकर पी लेते हैं। आप गए साउथ इंडिया में, है ना, लोटे से पी लेते हैं बस। गाँव गाँव में भी खड़े होकर पी लेते हैं, कोई बैठ के मैंने देखा ही नहीं, लेते हैं पी जाते हैं। अब ये जो ड्रामा है ये पता नहीं कहाँ से है, मुझे नहीं पता। आयुर्वेद में कोई श्लोक नहीं मिला मुझे। रामदेव बाबा कोई अथॉरिटी थोड़े ना, मैं नहीं मानता उनकी बात। मुझे आज तक तो कोई श्लोक नहीं मिला कि पानी बैठ के पीना चाहिए। एक है मगर वो क्लासिकल टेक्स्ट से नहीं है, ऐसे ही बना पड़ा है। चरक सुश्रुत और जो अच्छी किताबें हैं उनमें नहीं है, किसी ने बनाया होगा, हम उसको नहीं मानते। सो पानी बैठ के पीने का कोई लॉजिक है नहीं। बाय द वे दूध खड़े होकर पीना चाहिए, उसका लॉजिक है। जिनकी वात बड़ी है, जैसे महाराज पीते हैं ना, वात बड़ी हुई है तो खड़े होकर पीना चाहिए, वरना क्यों खड़े होकर पीना है, वरना बैठ के पियो आराम से, जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अय हाय ये क्या है, हम पशु तो पशु नहीं है तो सामान खड़े होकर होगा, खड़े खड़े क्या पीते हैं। अच्छा पानी का सम्मान करने के लिए, तो पानी तो बैठ के पीना चाहिए ना आप कह रहे हो, तो ये क्या नॉनसेंस है यार। मैंने कितने सारे कुत्तों को बैठ के पीते हुए देखा है। क्या है तो हमारी गाय भी बैठ के पीती है कभी कभी, ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब बिल्ली भी बैठ के पीती है, बिल्ली को देखा है ऐसे झुक के बैठ के फिर पी लेती है। तो पेट तो सारे बैठ के ही चाटते रहते हैं, रख दो पानी ऐसे बैठ के पीता रहेगा। सो क्या ये तो क्या तो फालतू का लॉजिक है। यूट्यूब वाले यूट्यूब बस यही है आजकल, कुछ नहीं है, कोई सम्मान वम्मान नहीं है। पानी का सम्मान करना है तो वेस्ट मत करो, वो असली सम्मान है। सम्मान करना है तो नहाते हुए 4-5 बाल्टियों से मत नहाओ भदों की तरह। वो सम्मान तो जितना पानी यूज है उतना करो, है ना, वो सम्मान है असली। क्या है ऐसा कुछ नहीं, नहीं मैंने नहीं देखा। जूस वूस सब खड़े होकर महाराज पी जाते, कुछ नहीं, कितनी बार मैं देख चुका हूँ। और महाराज की बॉडी अलग भी है भाई, महाराज खड़े होकर दूध पीते हैं वो है, क्योंकि उनको बात की प्रॉब्लम है, हमें थोड़े ना, हम क्यों खड़े होकर पिए। महाराज की बॉडी अलग है, हमारी अलग है। कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद कचौड़ी खाते थे, हम भी खाएंगे, ले होता है, बनाते नहीं है कचौड़ी। यार प्रभुपाद की बॉडी अलग है, आपकी अलग है, आपको क्यों कचौड़ी खानी है। अब अपनी बॉडी से चलो ना, महाराज जो भी कर रहे हैं हम क्यों करें। महाराज अपने स्पेसिफिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसे कर रहे हैं, कोई रूल नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। दैट्स ऑल, खड़े होकर पी लेते महाराज से कुछ। महाराज को तो कभी मैंने बैठ स्पेशली बैठ के पीते हुए कभी देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा आज तक। क्या करना चाहिए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे।
बाईकरवट। देखो महाराज ने पहले ब्रह्मचारी बुक में लिखा था लेफ्ट, फिर महाराज ने चेंज कर दिया राइट, फिर उसके बाद महाराज की रिसर्च हुई, महाराज ने कहा वेल राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, पीठ पे भी हो सकता है। तो रिसर्च के टॉपिक्स हैं, पता है मेरी बात हो रही थी महाराज से। सो ज़रूरी नहीं है कि आप बाएँ पे लेटो, ज़रूरी नहीं है कि दाएँ पे लेटो, पीठ पे भी ले सकते हो, जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे लेट जाओ। बॉडी बता रही है भाई, अरे बॉडी बता रही है आपको, जहाँ आपको आराम फील हो रहा है वहाँ लेट जाओ। बॉडी कह रही है यहाँ पे आराम फील हो रहा है वहाँ लेट जाओ, काम खत्म हो गया यार। जो नियम आग्रह करता है वो बर्बाद होता है, ये नियम आग्रह है, ऐसा कुछ नहीं है लेफ्ट पे लेटना। लेफ्ट पे लेटने से क्या होगा बताओ मुझे, कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट पे लेके मुट्ठी रख लो यहाँ, कुछ ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग, कुछ कहते हैं हाँ रियली में सीरियसली कि ये नाक चलनी चाहिए उससे, या मुट्ठियाँ दबा लो ये नाक चलाने के लिए। वो सब ना थ्योरी है, प्रैक्टिकली होगा नहीं। जब सो जाओगे तो आप उल्टे पड़े हुए मिलोगे, कुछ होगा नहीं सीरियसली। और सोने के बाद पता नहीं कोई वहाँ पड़ा हुआ है, कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, कुछ पता नहीं लगता। बेस्ट है जो कंफर्टेबल है उसमें लेटो, बॉडी कंफर्टेबल है उसमें, उसमें ज़्यादा अच्छी फंक्शन करेगी। अलग अलग दिन अलग अलग बॉडी है ना हमारी, हर रोज़ आपकी सेम बॉडी नहीं है, समझे, हर रोज़ आपका सेम शरीर नहीं है, हर रोज़ आपका डिफरेंट शरीर है, ब्लड सेल्स बदल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, डायनेमिक है बॉडी भाई। सो ऐसा जनरली है नहीं, शास्त्रों में सब दिया, लेफ्ट भी दिया, राइट भी दिया, पीठ पे भी दिया, बस पेट पे नहीं लेटना चाहिए ये मना है। वो मैं आपकी बात समझ गया, मगर ऐसा होता नहीं, वो नहीं होता, ऐसे लेटेंगे तो सारा लीक हो जाएगा स्टमक से अंदर, वो ऐसा होता नहीं, नहीं होता वो, आप लॉजिकली सोच रहे हो, मगर होता नहीं है। शास्त्रों में सब दिया, राइट भी लेफ्ट भी सब है, चर्चारक में दिया ही नहीं कौन सी पोजीशन में सोना है, ना सुश्रुत में दिया ना वाग्भट में दिया है, तो कंफर्टेबल है लेट जाओ, बस पेट पे नहीं लेटो, बस सिंपल। देखो सबके अपनी रिसर्च का लेवल है ना, मैं जो कह रहा हूँ, मैं किताबी लिख रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च की। आप किसी से पूछोगे वो कहेगा नहीं नहीं ऐसे है, तो आपको पूछना चाहिए आपकी कितनी रिसर्च है नहीं, क्योंकि ये सब, ये कोई भगवान तो कोई रिवील कर नहीं रहा, कोई अनुभव तो है नहीं, ये रियलाइजेशन आ रही है, ये सब किताबों में लिखा है, जिसने ज़्यादा रिसर्च की उसको ज़्यादा पता लग रहा है, जो अप्लाई कर रहा है उसको ज़्यादा पता है। सो मैं अप्लाई भी करता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, और मैं लोगों को ट्रीट भी करता हूँ डिवोटीज़ को। सो मैं बहुत सारे पेशेंट्स भी देखता हूँ, समझे, ऐसा नहीं सिर्फ नॉलेज है मुझे, किताबी ज्ञान है। महाराज को भी मैं ट्रीट करता हूँ, गुरु महाराज को। सो मुझे एक्सपीरियंस भी है, समझे, तो मेरी बात की ज़्यादा वैल्यू हो गई ना उस सेंस में, क्योंकि अगर कोई कुछ और कहेगा तो फिर आप कैसे डिबेट करोगे। आप कहोगे शांत हुए कह के गए भाई, अब उनका कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से सुना है, क्या किया है, कितने लोग ट्रीट किए हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस एक्सपीरियंस पे भी बहुत डिपेंड करती है ना। किताब में कुछ लिखा होता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। जैसे किताब में जो एंटीबायोटिक बीमार होता है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है ना, तो उसका कोर्स 5 दिन का होता है, कोई डॉक्टर 5 दिन नहीं देता। अच्युत कृष्ण 5 दिन कहाँ देते हैं, 3 दिन 2 दिन बस हटा दो, प्रैक्टिकली कुछ और चल रहा है। सो चीज़ें हैं, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो रिसर्च, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बता रहा हूँ, आप फॉलो करके देख लेना, नहीं काम करेगा छोड़ देना, और दैट्स ऑल बस। बैक पेन के लिए वो एक्सरसाइजेस पे आना था मुझे, मगर ये ख़त्म हो गया ना टॉपिक सारा, खाने का सोने का सिस्टम ख़त्म। रात को फल जनरली नहीं लेना चाहिए, मगर आप ले सकते हो, अगर आपको बहुत भूख लगी है तो आप ले सकते हो, वो डाइजेस्ट कर जाएगा, बहुत भूख लगी तो ले सकते हो, मगर रात को कुछ फल नहीं लेने चाहिए, कोकोनट नहीं लेना चाहिए, कोकोनट वाटर, वाटरमेलन कम लेना चाहिए, ले सकते हो वाटरमेलन भी, केला नहीं लेना चाहिए जनरली, कफ होता है, थोड़े से ज़्यादा नहीं ले सकते, थोड़े से ले सकते हो, थोड़ा सा ले लो बस भूख घटाने के लिए, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं खाया, थके हो, ऐसे मैं लेक्चर देता हूँ, लेक्चर के बाद भूख लगती है, बोलने के बाद ना बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगती है,
तो उसके बाद रात को थोड़ा लेना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं, एक दो खरबूज और जो भी है, अदरवाइज मैं नहीं लेता जिस दिन लेक्चर से, क्यों लेता है? पफ राइट्स? नहीं नहीं, किसने कहा है? यहाँ पे पफ राइट्स खाते हैं, मैंने देखे पैकेट्स, ऐसे तो कुछ नहीं है। रात को लाइट होता है, ले सकते हो। हाँ, दूध के साथ लेते हैं लोग, ले सकते हो दूध के साथ, मगर क्यों लेना है? ये आपने 8 बजे खा लिया, 1:30 बजे खा लिया, 5 बजे खा लिया, तो क्यों लेना है यार? क्यों डालना है पफ्ड राइस? पैसे भी वेस्ट आश्रम के। पफ्ड राइस क्यों देते हो, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो रात को क्यों देना है पफ्ड राइस? अरे उसने खा लिया सुबह शाम, यार खत्म हो गया, भूख लगती है भैया। इंसान 2 टाइम ही खाता है, इंसान के लिए 2 टाइम लिखा है। अब वो गंदी हैबिट हो जाएगी आपकी रात को खाने के लिए, फिर क्योंकि अन खा लिया ना आपने दूध के साथ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत हैवी हो गया वो। पफ्ड राइस वैसे अकेले खाओगे तो ठीक है, मगर दूध के साथ मिला के वो हैवी आइटम हो गया वो, क्योंकि राइस तो राइस ही है ना, एक दाना एक राइस का दाना है, उसमें हवा भरी है बस, और कुछ नहीं है, है तो राइस ही। तो अब प्रॉब्लम है उसमें, तो इसलिए अवॉइड कर सकते हो पफ्ड राइस तो बेटर है भाई। अब हैबिट की बात है, देखो आप 4 बार खिलाओगे 4 बार हैबिट हो जाएगी खाने की। दूध पियो ठीक है अपना, सो अपना 2 बार आराम से खा लो अच्छे से। मुझे तो फ्रेंकली नहीं लगता आइडिया सही, क्यों आइडिया क्यों है मैं पूछ रहा था, लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ तब होगा, हाँ तब होगा, तब होगा, हाँ सही बात है, तब होगा। हाँ अगर आप 9:05 करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नहीं ज़रूरत है, ये बात सही है। आप 1:30 बजे करोगे तो भूख लग जाएगी, तो बेकार, 1:30 बजे का सिस्टम ही बेकार है आपका, पैसे भी वेस्ट है, पफ ड्राइव भी वेस्ट हो रहा है, और ज़्यादा भी खा रहा है वो। 9:05 सही है भैया, दूध पी जा ऐश कर। हमारे आश्रम में तो दूध भी नहीं मिलता रात को, क्योंकि लाइट ही नहीं है, वर्णाश्रम में लाइट ही नहीं है ना, तो दूध अब कैसे दें, मतलब अंधेरा ही हो गया 7:30-8 बजे, तो दूध फिर मच्छर भी होते हैं, तो यू नो डायनेमिक्स अलग है, तो दूध रात को होता ही नहीं, दूध हम सुबह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अपना चल रहा है। 9:05 में हो जाएगा सेट, फिर कुछ नहीं होता, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे आश्रम में। पफ्ड राइस हो गया ना, ठीक है जल्दी करो फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक टाइम सुबह मॉर्निंग में फल लेते हैं और एक ही टाइम सिर्फ फल लेते हैं, ठीक है सिस्टम? ठीक है अगर उनको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं नहीं वो महाराज को प्रॉब्लम है, वो महाराज को प्रॉब्लम है, महाराज की बात प्रकृति है, दूसरे सन्यासी हैं तो उनकी अथॉरिटी क्या है? सन्यास अथॉरिटी नहीं है भैया हेल्थ पे बोलने के लिए, उनकी हेल्थ खराब हुई उससे तो ऐसा नहीं। अब मैं बता रहा हूँ सन्यास लेना मतलब नहीं है कि आपको हेल्थ टिप दे सकते हैं, सन्यास लेना मतलब स्पिरिचुअल टिप्स दे सकते हैं। सन्यासियों से हेल्थ के बारे में पूछना सबसे बुरा काम कर रहे हो आप, सन्यासियों को कुछ नहीं आता हेल्थ के बारे में, समझे? ट्रेंड ही नहीं है, कैसे बता देंगे यार, कॉमन सेंस लगाओ ना, जिसको जो ट्रेनिंग है। आप सन्यासी से पूछोगे मंदिर कैसे बनाना है, उसको बता ही नहीं, आर्किटेक्ट नहीं, आर्किटेक्ट से पूछोगे ना, तो वो उनकी ख़राब हो गई होगी, उन्होंने और भी गड़बड़ की होंगी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है अपने पे है। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हो बहुत अच्छा है, कर लो कोई नहीं। मैंने 10 साल एक ही बार खाया है दिन में, मैं नहीं खाता था 2 बार, एक बार खाता था मैं शाम को 5 बजे बस, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं हेल्दी फील कर रहा था, मेरी बॉडी अलाउ कर रही थी। जिसकी बॉडी अलाउ कर रही है कर ले, आपको हेल्दी फील करना है, फ्रेश फील करना है, फ्रेश एनर्जाइज्ड, तो ठीक है सब, आपका बॉडी से बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं उसका प्रमाण क्या है, नहीं उसका प्रमाण उनके पास क्या है, चक्कर है ना, उनको आ गए थोड़े ना, हम सबको आ जाएंगे। सो प्रमाण प्रमाण के साथ होना चाहिए ना, तब तो मानेंगे हम।
कोई एविडेंस हो, कोई आयुर्वेद कह रहा हो या चलो उनको हुआ तो उन्होंने कहा कि भी चलो 10 लोगों के साथ भी हो गया, कोई केस हिस्ट्रीज हो, उन्हीं के हाथ हुआ है तो कैसे मान लिया जाए? उनका शरीर ऐसा होगा, कुछ कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे। सो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं। अब पानी मैं पीता नहीं, मैं कौन सा बीमार हो गया? सब पूरी दुनिया में आप पानी नहीं पियोगे बीमार हो जाएगा, यही कहेंगे ना, यही कहेंगे स्टोन हो जाएगा। नहीं है शास्त्रों में, मैंने पढ़ा चरक में, पानी कम पीने से कुछ नहीं होगा, मैं पी रहा हूँ कुछ नहीं है। सो कुछ है नहीं ऐसा, सब ऐसे ही कहते रहते हैं बस। मैं मानने को तैयार हूँ, अगर आपकी रिसर्च है, आप उस फील्ड में हो तो ठीक है यार, आप उस फील्ड में नहीं हो तो चुप रहो यार, क्यों बताना है दूसरों को। बस जल्दी बताओ फिर एंड कर रहे हैं। संध्या के बाद जनरली नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं लेना चाहिए, जनरली नहीं लेना चाहिए, मगर आयुर्वेद में कोई लिखा नहीं है इसके बारे में। अगर बहुत भूख लगे तो आप कभी भी ले सकते हो, एक्सेप्ट जो मैंने टाइम बताया उसको छोड़कर। मिल्क मना किया गया? किसने कहा? मिल्क मना है आयुर्वेद में? क्या झक्का है, किसने मना किया है, कौन पागल है? कोई मना मना नहीं है। क्यों मना है रात को? हाय हाय, छोड़ो अपनी थ्योरी अपने पास रखो, बेकार की थ्योरी है। नहीं, दही नहीं ले सकते, दही कभी मत ले लेना संध्या के बाद, पक्का बीमार होगे। दही बहुत ध्यान से खाना होता है, दही ऐसी चीज़ है जो बहुत बुरी तरह बीमार करती है। सो दही तो बहुत ध्यान से छू छा के देख दाख के खाना होता है, दही थोड़ी डेंजरस चीज़ है। सो अगर दही है तो दही में खट्टा मिला के खा लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, या दाल मिलाकर या चीनी मिलाकर, अकेला दही नहीं खाना चाहिए। कड़ी खा सकते हो, क्योंकि कड़ी में तो दही पक गया ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज हो गया ना दही, वो तो चलो सब चेंज हो गया वो तो। ओके, सो एक्सरसाइज के ऊपर मैं बता देता हूँ जल्दी से, फिर ख़त्म कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज आपको मैं कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको बस 15 मिनट करनी है, 10 मिनट करनी है, ज़्यादा मत करना एक्सरसाइज, वो कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग का टाइम भी वेस्ट होगा और पूरी लाइफ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि चेंज होती रहती है ना इस्कॉन में, हसल बसल लाइफ है, नहीं हो पाएगी। 10 मिनट काफ़ी है, सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, रामदेव बाबा का यूट्यूब पे देख लेना सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है, उसमें आपको 10 मिनट लग जाएंगे सूक्ष्म व्यायाम। सिंपल 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 है, आपको लगेगा इजी है मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और 5 मिनट आप कुछ आसन कर लेना, पेट के कर लेना आसन, पेट के, जिसमें पेट दबता है, समझे? जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक आसन होता है पश्चिम उत्थान आसन, ऐसे बैठ के आगे झुकते हैं, वज्रासन में बैठ के आगे देख लेना पश्चिम उत्थान आसन। अब मुंडा का आसन मत कर लेना, वो हर्निया वर्निया हो जाएगा, ज़्यादा मुट्ठी अंदर घुस गई तो प्रॉब्लम है। कर सकते हो अगर आपको आता है तो, आपको आता है तो कर लो, वरना लोगों के प्रॉब्लम हो चुकी है, ज़्यादा अंदर घुसा देते हैं वो, फिर प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैं नहीं बता रहा यहाँ, जिसको मैं जनरल बता रहा हूँ जो आराम से कर सकते हो। पश्चिम उत्थान आसन देखना ज़रा, पश्चिम उत्थान आसन क्या है, वज्रासन में बैठ के आगे झुकते हैं, है? पश्चिम उत्थान। एनीवे, जिस भी एक्सरसाइज में जिसमें पेट दबा रहा है ना, जैसे लेट के पैर दबाना इधर, पता नहीं आ रहा, हाँ, एक तो पश्चिम उत्थान आसन तो है ही, वो कर लेना। दूसरा आसन पता नहीं यार क्या झाके, मुझे नाम नहीं पता ज़्यादा, नहीं एक मिनट आप देख लो नेट पे, जिस भी आसन में पेट दब रहा है, समझे, आगे झुकना, पैर दबाना लेट के, बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, पैर दबाते हैं लेट के पूरा, वो कर लो।
और फिर उसके बाद खड़े होकर नीज छूना, पेट बेसिकली आपका दबना चाहिए, वो आसन और थोड़े आसन जिसमें पीठ एक्सटेंड हो रही है, समझे? जैसे जैसे आपका धनुरासन नहीं होता उल्टा कर लिया, या वज्रासन में बैठ के पीछे हो गए, या इस सर्पासन होता है ऐसे करके भुजंग है। सूर्य नमस्कार कर सकते हो, मगर सूर्य नमस्कार मैं जनरली मेंशन नहीं करता, क्योंकि सूर्य नमस्कार बहुत फास्ट करते हैं लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, उसका अलग इफेक्ट है। जो हम आसन करते हैं उसमें थोड़ी देर रुकते हैं, उसका अलग इफेक्ट होता है, उसका ज़्यादा इफेक्ट मैंने देखा है। सूर्य नमस्कार अंदर खटखट खटखट करते रहते हैं ना, वो एक अलग है, वो हमारे लिए काम नहीं आएगा इतना। सो बस आप 4-5 आसन कर लो जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, नहीं पेट दब रहा है और पीठ एक्सटेंड हो रही है थोड़ी सी, बट तो 4-5 आसन देख लेना नेट पे, कर लेना, बस काफ़ी है, अपना ऐश करो, बस कुछ नहीं करना आपको, 15 मिनट रोज़ कर लो बस, दैट्स ऑल। और थोड़ा सा आसन करने से पहले थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग कर लेना, है ना, वार्म अप नहीं होता बॉडी का, वार्म अप कर लेना, जॉगिंग, उठक बैठक, थोड़ा पुशअप्स, 3-4 मिनट, उससे गर्मी आ जाएगी बॉडी, फिर उसके बाद आसन करना, क्योंकि आप वो नहीं करोगे तो खिंच जाएगा, फिर स्प्रेन ब्रेन हो जाएगा आपको, बस इतना करना और कुछ नहीं करना, सिंपल ख़त्म हो गया, रोज़ कर लो। नहीं नहीं कम पानी पीना आयुर्वेद में लिखा है, सबके लिए अच्छा है, गोल्डन रूल है, गरुड़ पुराण का श्लोक ही है, कम पानी जितना पियोगे उतना हेल्दी रहोगे। मॉडर्न से एंटी है, मॉडर्न में कुछ कहते हैं, मगर मैं तो स्क्रिप्चर से चलता हूँ, मैंने करके भी देखा है और सही रहता है। कम पानी पियोगे पसीने भी कम आएंगे, पता है, कपड़े में सर्फ कम लगेगा आपका, बचेगा सर्फ, चिपचिपा कम होगा गर्मियों में, वरना चारा चिपचिपा रहता है, बदबू आती है, बहुत फ़ायदे हैं कम पानी पीने के। अब देखना बॉडी क्या है, हीट हीट हो जाती है, हाँ इमीडिएटली नहीं पीना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ बॉडी में हीट बढ़ गई, इमीडिएटली पानी पियोगे तो, जैसे गाड़ी गर्म आती है, कार्बोरेटर खोलो पानी डालो तो क्या होता है, उछलेगा ना ऊपर, बस वो ये पानी पियोगे तो गड़बड़ होगी, अंदर गर्म हो गई, थोड़ा ठंडा करके फिर सही है, वो तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे नहीं। नहीं तो अन्न क्यों खा रहे हो आप, दाल पी लो, हाँ दाल में पानी है ना, चावल में भी पानी है, सब्जी में भी पानी होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पानी थोड़े ना चाहिए, पानी है उसमें तभी तो पानी में पका रहे हैं, ये पानी में ही तो बनाया है उसको सब्जी को। हाँ 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 प्यास तब लगेगा जब ज़्यादा खाओगे, नहीं नहीं ज़्यादा खाओगे, और प्यास तब लगेगा जब पूरे फ्राइड खाते रहोगे, घी वाला खाओगे ना बहुत तो प्यास लगेगा। मैं हमेशा फ्रूट्स थोड़े ना खाता हूँ, जो आश्रम में बनते हैं मैं वो खाता हूँ, सुबह बनता है वो तो यहाँ पे, चलो तो क्यों खाते हो भाई, वही मैं कह रहा हूँ क्यों खा रहे हो ज़्यादा, क्यों खा रहे हो, जितना ज़रूरी उतना खा लो, प्यास भी कम लगेगी। पकौड़े बने आप पकौड़े दबा के खाओगे तो प्यास लगेगी लगेगी, वो पूरा फ्राइड ऑयल जाएगा घी जाएगा तो लगेगी, थोड़ा कम खा लो यार, 1-2 खा लो, प्रसाद ले लो, काम ख़त्म। और फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी बॉडी की, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो प्यास कम लगना हो जाएगी। अब प्रैक्टिस की बात भी है, थोड़ा सा हैबिट हमारी गंदी हो गई है थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप बैलेंस डाइट खाओगे नहीं लगेगी। और ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं कि पानी मत पियो, अभी शुरू में आप थोड़े टाइम बाद पानी पी लो, उसमें कोई नहीं है, मगर पूरे दिन पानी मत पीते रहो, यहाँ से तो शुरू कर सकते हैं हम, है ना, इतना कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको 3 दिन अब नहीं पीना, वो तो मैं कर रहा हूँ ना, मैंने प्रैक्टिस की है ना धीरे धीरे अच्छी हैबिट्स डाल के, तो ऐसा कर लो, कुछ कोई प्रॉब्लम।
कहते हैं पेट भर पानी पी लो, वेल डाइसी है वो थोड़ा, क्योंकि चक्कर है आपको हैबिट पड़ जाएगी फिर पानी पी के टॉयलेट जाने की, ऐसा होता है ना, हैबिट पड़ जाएगी और जिस दिन पानी नहीं मिला फिर टॉयलेट आएगी नहीं आपको, बस प्रॉब्लम। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, सुबह पानी पिया नहीं आपने, फिर आपके दो दिन तक कॉन्स्टिपेशन, यही लोग झगड़ते रहते हैं। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, लिखा होता है कि लोटे में रखो, ऐसा होता है शास्त्रों में लिखा है, ताम्र के क्या कहते हैं उसको, जो भी लोटे में रख के फिर सुबह पानी पियो, चीज़ें हैं मगर कोई कंपलसरी नहीं है, गोल्डन रूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उसके फ़ायदे देखो, लॉस भी है, मैंने बहुत सारे डिवोटीज को देखा एसिडिटी हो जाती है, तो फ़ायदे भी हैं लॉस भी है, अपने बॉडी के हिसाब से देखना पड़ेगा। ज़्यादा बेटर है ना पिए क्योंकि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये पी के ही रिफ्लेक्स बन जाएगा आपका, पियो मत, अपने आप बॉडी चलाएगी, ज़्यादा अच्छा है। और फिर उठते ही प्यास भी लगेगी, हैबिट बन जाती है ना, उठते ही बहुत प्यास लगती है, फिर आपको पानी, उठते ही पहले पानी, कृष्ण की जगह पानी याद आएगा, होता है नहीं होता है, तो पानी पानी मगर थोड़ा सा पानी है। क्या आती है पता नहीं यार, थूक खुद पीते रहो आप, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीता यार, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, वो तो उठ के हम यही करते रहेंगे, पहले लार पियेंगे, फिर शहद अदरक पियेंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। हाँ वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मत जाओ इसमें, चीज़ें हैं शास्त्र में लिखी हैं, हमें भक्ति भी करनी है ना, चक्कर है बहुत इंटरफेरेंस हो जाएगी, बेसिक चीज़ें करो और आगे बढ़ो। अरे डॉक्टर को चैंटिंग तो करनी नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, चैंटिंग तो उसको करनी नहीं है, पागल को तो कुछ भी बता के चले जाते हैं, हमारा शेड्यूल भी है ना, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी है ना, चक्कर ही है ना, मैंने आपको जो बताया रूल्स वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से इंटरफेयर नहीं करेगा, हम उसको भी देख के कह रहे हैं ना, ऐसे तो यार हज़ार चीज़ें लोग बोल देते हैं पता नहीं अपने मन से उठ के, फिर प्रॉब्लम हमें होती है, हमारा फिर वो चैंटिंग वैंटिंग हज़ार चीज़ें हैं, वो प्रॉब्लम है। ये आयुर्वेद में लिखे हैं, मैंने ढूंढे हैं, नहीं नहीं इसका हर चैप्टर में रूल दिया है कि ये कभी मत तोड़ो, उस चैप्टर में रूल दिया है ये कभी मत तोड़ना, ये सबके लिए है, रिगार्डलेस ऑफ प्रकृति, रिगार्डलेस ऑफ विकृति, तो वहाँ से कलेक्ट करके मैंने ले लिए, फिर मैंने खुद फॉलो किया, बस और कुछ नहीं। ओके सो आई एंड अप है, जल्दी पूछ लो, ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ क्या कुकिंग वाले ना, हाँ वो तो हीट होगी, वो पीना पीना पड़ेगा आपको, वो एक्सेप्शन है, आप पी लो, बहुत गर्मी लग रही है तो पीना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं, वो फिर देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। एलोपैथिक मेडिसिन ले लो यार, कोई ख़राबी नहीं है, ठीक हो जाओ, ज़्यादा आयुर्वेद के पंगे में मत पड़ो, बता रहा हूँ, आयुर्वेद के चक्कर में लोग खा खा के बीमार हो गए हैं, पूरा बक्सा भरा हुआ रहता है उनका, सीरियसली, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती है ना, चक्कर ये है, ख़राबी नहीं है बट आयुर्वेद में फिर टाइम भी लगता है, चक्कर भी बहुत बड़ा ही है। अब कुछ बीमारियों के लिए आयुर्वेद ही काम करती है, एलोपैथी है ही नहीं उसमें, चलो चलो ठीक है, इसके लिए एलोपैथी काम ख़त्म करो, आगे बढ़ो यार, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं भी पहले सोचता था आयुर्वेद से करें, मगर मैंने देखा यार टाइम भी लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, एक्चुअली भक्ति ख़राब होती है ना, प्रॉब्लम ही है। अब वो आयुर्वेद में थोड़ा टाइम लगेगा, तीन दिन लगेगा, तब तक पड़े रहो, एलोपैथी में एक दिन में सही हो जाओगे, ठीक करके अपना आगे बढ़ो यार, ये है थोड़ा सा। तो मैं इतना पिकी नहीं हूँ अब आयुर्वेद एलोपैथी के लिए, कुछ नहीं है ऐसा, साइड इफ़ेक्ट कहते हैं एलोपैथी के, वो लॉन्ग टर्म में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सही हुआ। नहीं नहीं हमेशा नहीं होता, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं हर दवाई में थोड़ा ना होता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कैप्सूल में होता है, कवर में। आयुर्वेद में भी क्या हो रहा है आपको क्या पता, आयुर्वेद के जो टैबलेट बनते हैं
वो टैबलेट बिना इमल्सिफायर के बन ही नहीं सकते, मशीन से निकलेगा ही नहीं पेस्ट। टैबलेट निकल मशीन से निकलना चाहिए ना पेस्ट, फिर वो जमेगा। एक टैबलेट बनाएगी मशीन, उसमें इमल्सिफायर्स और उसमें सॉलिडिफायर्स डालने पड़ेंगे आपको, अब वो क्या है पता ही नहीं किसी को। सो ये तो भैया बहुत बहुत प्रॉब्लम है कलयुग में। हाँ, आपको बीमारी जिसमें लॉन्ग टर्म दवाई चाहिए तो आयुर्वेद प्रेफरेबल है। शॉर्ट टर्म हो गया खा खू के ख़त्म करो, लूज मोशन हुए एक दवाई लो ख़त्म करो। यार कौन सी आयुर्वेद खाते रहेंगे हम तब तक, सर में दर्द पड़े हुए हैं, बड़ा टाइम बड़ा वेस्ट होता है, मैंने देखा है। हैं गिलोय ले सकते हो, गिलोय में कोई ख़राबी नहीं है। हाँ वो बढ़ती है, बट कितनी बढ़ती है क्या है पता नहीं मुझे। देखो बेस्ट है आप कोई भी दवाई लोगे, दवाई है, डाइट खाना है, जितनी दवाई हम कम ले उतना बेटर है। बेस्ट है खाना और एक्सरसाइज से अपने आप को हेल्दी रखो। दवाई ही होती है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, उस पर बॉडी डिपेंड हो जाती है। फिर बिना गिलोय लिए आपकी इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, चक्कर ही है ना, गिलोय पे आ जाएगी। जिस दिन गिलोय नहीं मिलेगा ख़त्म बस इम्यूनिटी तो क्या करेंगे फिर हम। ये बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा नहीं है आयुर्वेद बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, आयुर्वेद के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आयुर्वेद में फ्लॉज हैं, ऐसा नहीं होता कि आयुर्वेद बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं है, गलत है अंडरस्टैंडिंग। ओके सो एंड दैट्स इट। क्या बोलो शाम को जल्दी बोलो, खत्म कर रहे हाँ लगे रह रहा। अच्छा है ठीक है, तो प्रभुपाद थोड़ा ना कह रहे हैं, प्रभुपाद थोड़ा ना पूरा पेट फुला के खा लेते थे, हमें क्या पता प्रभुपाद थोड़ा सा भूख रखते होंगे। वो तो सही है, अब अगर बहुत भूख लग रही है आप नहीं खाओ तो प्रॉब्लम है ना, हम तो थोड़ी सी भूख छोड़ने को कह रहे हैं। और वो शास्त्री भी है 1/4 पेट खाली रहना चाहिए ना, वो कैसे पता लगेगा, ऐसे ही पता लगता है, कुछ नहीं है। ज़्यादा खाने कम खाने से कुछ नहीं होता, सही तरीके से खाने से एनर्जी मिलती है, समझे, ज़्यादा कम से कुछ नहीं होता, सही टेक्निक ठीक होनी चाहिए, समझे, ज़्यादा चैंटिंग और कम चैंटिंग से कुछ नहीं होता, सही टेक्निक से चैंटिंग होनी चाहिए, है ना, वरना घुमाते रहो माला, वही खाने में भी है और कुछ नहीं, ऐसा ही है बस, सेम चीज़ है, समझ गए ना। ओके सो आई थिंक दैट्स अप। अब एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे मेल मत करना कि प्रभु जी वो डिवोटी सीनियर डिवोटी ये कह रहे हैं आपने कहा है, खुद झगड़ते रहना, जो करना है करो, आप ये रूल्स फॉलो करोगे आपको फ़ायदा, प्रैक्टिकली फॉलो करके देख लो फ़ायदा होगा, अब नहीं करना चाहते आपकी मर्ज़ी, तो मैं ये नहीं बोल के जा रहा है करना है, फिर मुझे मत बोलना कि शांत ने कहा था फिर बवाल हो जाए, ये मत करना, समझे, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होगी, समझे।